वेलकम बैक टू द चैनल फिनांस टैक्स अकाउंट्स ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। एक सही कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाए, करेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, हाउ डू प्रिपेयर करेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 एज इश्यूड बाई द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द ICAI। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में A to Z एवरीथिंग जानने वाले हैं। ये है क्या, क्यों है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, है ना, क्योंकि ये फिनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है, कंपलसरी पार्ट होता है, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इफ़ यू नॉट येट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट अर्ली नोटिफिकेशन ऑफ मोर वीडियोज, मोर यूजफुल वीडियोज फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मेरा फ्लो है, मेरा प्रोसेस है, मेरा प्रोसेस फ्लो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने का। क्या है हमारा फ्लो, हम सबसे पहले क्विक रेफरेंस, क्विक व्यू, समरी व्यू ऑफ द स्टैंडर्ड लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल बात करते हैं, है ना, जो हम यहाँ से करने वाले हैं एजुकेशनल पर्पज़। उसके बाद हम बेयर टेक्स्ट, जो कानून में एज इट इज लिखा हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग के लिए कानून है, जो हम एज इट इज पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन आयर देखते हैं, जैसा कि हम हर स्टैंडर्ड में करते हैं। मैंने AS2 में क्वेश्चन आयर देखना भूल गया, लिटरली मैं भूल गया, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, आप क्विक रेफरेंस को ही क्वेश्चन में बदल दो, यही क्वेश्चन आयर होता है, है ना, जो आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल काम करते समय, मींस जब ऑडिट पे जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन पे जाते हैं, इंस्पेक्शन पे जाते हैं, तो आपने ये चेक करने होते हैं। या फिर अगर आप अकाउंटेंट हैं, जब आप अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं तो सेल्फ चेकिंग जब आप करते हैं कि हमने सही बनाया नहीं बनाया, तो आप टेस्ट लगाते हैं, तो ये एक सैम्पल टेस्ट के लिए आपके पास क्वेश्चन आयर होते हैं, उसके बारे में हम सबसे लास्ट में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। AS क्विक रेफरेंस फ्रॉम क्विक रेफरेंसर, है ना, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। अब यहाँ देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको क्या बता रहा है। फॉर कंपनीज एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड बाई एवरी कंपनी एक्सेप्ट, दोस्तों कहीं भी एक्सेप्ट का मतलब उसके बाद जो कुछ लिखा हुआ है उसको छोड़कर। तो यहाँ एवरी कंपनी को बनाना है, एक्सेप्ट मतलब इन कंपनियों को छोड़कर। किन कंपनियों को छोड़कर, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी, थ्री क्लास ऑफ कंपनी हैं, तीन टाइप की कंपनियां हैं जिन्हें कैश फ्लो बनाने से एग्जम्पशन मिली हुई है, जिन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है, चाहे तो वो बना सकती हैं, चाहे तो वो नहीं भी बनाए, कोई बात नहीं है ना। नेक्स्ट, फॉर नॉन कंपनीज, अब बहुत सारी इंटरप्राइज नॉन कंपनीज होती हैं, जैसे प्रोप्राइटर फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, उनके केस में, नॉन कंपनीज के केस में AS3 इज नॉट मैंडेटरी फॉर एंटिटीज फॉलिंग इन Level 2 and Level 3। दोस्तों AS की एप्लीकेबिलिटी के लिए लेवल्स डिसाइड किए गए हैं कि कौन सा स्टैंडर्ड किस लेवल पे अप्लाई होगा और किस लेवल पे नहीं होगा।
तीन लेवल डिसाइड किए गए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। कई क्रिटेरिया हैं लेवल्स बांटने के, डिस्ट्रीब्यूट करने के, तीन लेवल डिफर करने के लिए, है ना, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि लेवल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लेवल 1 एंटिटी कौन है, लेवल 2 एंटिटी कौन है, लेवल 3 एंटिटी कौन है, उसको किस तरह से बांटा गया, किस आधार पर बांटा गया है और किस लेवल पे कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं और कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होते हैं, ये भी हम बात करेंगे। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप जरूर देखना उसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ गए, सभी कंपनी को कंपलसरी है, तीन कंपनी को छोड़कर, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, पहला। सेकंड, नॉन कंपनीज के केस में AS3 सिर्फ लेवल 1 एंटिटी को मैंडेटरी है प्रिपेयर करना। लेवल 1 एंटिटी कौन सी लेवल 1 एंटिटी, जो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने लेवल 1 एंटिटी डिक्लेयर किया है जिन एंटिटी को, उन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है। लेवल 2 लेवल 3 एंटिटी को नहीं है मैंडेटरी कैश फ्लो बनाना। चलिए अब आप समझ गए होंगे किन्हें बनाना है किन्हें नहीं बनाना है मैंडेटरी। द स्टैंडर्ड डील्स विद द प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्टोरिकल चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज बाय मींस ऑफ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट विच क्लासिफाइज कैश फ्लो ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फिनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो, आप जानते हैं कि कैश का फ्लो हो रहा है, आइदर आउटफ्लो होगा या फिर इनफ्लो होगा, आउटगोइंग होगी कैश की या इनकमिंग होगी। इन्हें तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है कि तीन तरीके से, तीन तरह के कैश फ्लो हो सकते हैं, है ना, एक्टिविटी के आधार पे। किसी भी बिजनेस में, किसी भी एंटरप्राइज में, किसी भी बिजनेस एंटिटी में तीन तरह की ही एक्टिविटी होती है। ब्रॉडली तीन क्रिटेरिया में, तीन तरह की एक्टिविटी में हम डिवाइड करते हैं। पहला ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग मींस जो उनका नॉर्मल बिजनेस है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, मींस अगर उनका बिजनेस है मेडिसिन मैन्युफैक्चर करना तो उनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या हुआ, मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर सेल करना, है ना। सबसे पहला तो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना, उसे प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन करना, और जब मेडिसिन फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाए तो उसे सेल करना, ये हुआ इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नाम से क्लियर है, आप इन्वेस्ट किए हैं कहीं, है ना, जैसे आपका काम है इन्वेस्ट करना, जैसे आप रिलायंस में, टाटा में, है ना, अशोक लेलैंड में और डिफरेंट कंपनीज में आप इन्वेस्ट करते रहते हैं पैसे, है ना, तो वहाँ से जो भी इनकमिंग और आउटगोइंग कैश का होगा, मींस कैश फ्लो होगा, वो सारी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रखेंगे। एंड थर्ड फिनांसिंग एक्टिविटी, फिनांसिंग एक्टिविटी मींस आप खुद कहीं से फिनांस लेते हैं, फिनांस लेते हैं तभी तो बिजनेस शुरू होता है, सबसे पहले आप ओनर्स ऑफ द बिजनेस से फिनांस लेते हैं एज ए कैपिटल, है ना, उसके बाद लोन लेते हैं, बोरोइंग करते हैं, डिपॉजिट लेते हैं पब्लिक से, डिवेंचर्स बॉन्ड इशू कर लोन लेते हैं, है ना, डिवेंचर्स बॉन्ड जब आप इशू करते हैं तो वो एक तरह से आपकी लोन है, वो बोरोइंग ही है, है ना। इसके बारे में पूरी डिटेल बात आगे करेंगे, इसमें यही तीन मेन पॉइंट है, इन्हीं तीन के ऊपर पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा चैप्टर घूमता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फिनांसिंग एक्टिविटी। कैश कंप्राइज कैश ऑन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। डिमांड डिपॉजिट मींस आप बैंक के पास जाएंगे, आप डिमांड करेंगे, वो आपको हैंड टू हैंड कैश देगा,
इसके लिए मैंने एक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का सेपरेट वीडियो बना रखा है दोस्तों, 160 अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी इन 2 आवर्स, जहां मैंने समरी डेफिनेशन दिया है एंड उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन विद डेफिनेशन डिटेल विद एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशंस। टोटल 6 घंटे का वीडियो आपको मिलेगा चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। जो डिटेल्ड वीडियो होगा उसमें आपको डेफिनेशंस एप्लीकेशंस एंड विद एग्जांपल्स मैंने समझाया है, तो कोई टर्म समझ में ना आए तो आप वो वीडियो जरूर जाकर देखें। चलिए हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक पे, कैश इक्विवेलेंस आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश एंड विच आर सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। कैश इक्विवेलेंट आप किसे कहते हैं, जो कैश के बराबर है। कैसे आप समझेंगे, कैसे आप डिटरमाइन करेंगे कि वो कैश के इक्विवेलेंट है, मीन्स कैश ही है एक तरह से, नॉर्मल जो हमारे हिंदी क्षेत्रों में बोला जाता है, एक तरह से कैश ही है ऐसा आप बोलते हैं ना, एक तरह से यही तो है, कैश ही तो है। कब आप डिसाइड करेंगे, किस तरह से आप डिसाइड करेंगे, सबसे पहला क्रिटेरिया वो शॉर्ट टर्म होना चाहिए, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट हो और हाईली लिक्विड मीन्स आप जब चाहें उसे इन कैश करवा सकें। दैट आर रेडली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश एंड विच आर सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेज इन वैल्यू एंड। तो इसका कहने का मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो जो हाईली लिक्विड हो, जिसे आप जब चाहें कैश करवा सकते हैं, इन कैश करवा सकते हैं और जिसमें बिल्कुल भी रिस्क ना हो, बिल्कुल ही कम रिस्क हो कि इसकी वैल्यू चेंज होगी। फॉर एग्जांपल बैंक में जब आप एफडी रखते हैं, है ना, एक तरह से तो वो शॉर्ट टर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपने एफडी 3 महीने के लिए रखा, 1 महीने के लिए रखा, 10 दिन के लिए रखा, 7 दिन के लिए रखा, है ना, तो वो शॉर्ट टर्म बन गए, क्योंकि शॉर्ट टर्म का डेफिनेशन क्या होता है, 12 मंथ्स की क्रिटेरिया होते हैं शॉर्ट टर्म डिसाइड करने के लिए, आप टर्मिनोलॉजी वाले वीडियो में आप जाके जरूर देखें। तो 12 महीने से कम की जो इन्वेस्टमेंट है वो शॉर्ट टर्म हुई, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, जब चाहे आप बैंक में जाए इन कैश करवा लें, कुछ आपको लॉसेज होंगे, इंटरेस्ट वगैरह का कुछ कट कर लेंगे बैंक वाले, लेकिन एटलीस्ट प्रिंसिपल अमाउंट में कोई चेंज नहीं होगा, है ना, वो कुछ भी कट नहीं करेंगे और उसमें रिस्क नहीं है वैल्यू इन चेंज में, है ना, तो इसे आप कैश इक्विवेलेंट कहेंगे। आपने ये ध्यान रखना है, कैश का मतलब, कैश इक्विवेलेंट का मतलब, एन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्वालिफाइज एज अ कैश इक्विवेलेंट ओनली व्हेन इट हैज अ शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी और से 3 मंथ्स और लेस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि यहाँ पे हम कैश इक्विवेलेंट में 3 महीने से कम ड्यूरेशन के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उन्हें ही लेंगे। नॉर्मली शॉर्ट टर्म के लिए क्या होता है, 12 मंथ, लेकिन अगर इन्हें शॉर्ट टर्म को ही कैश इक्विवेलेंट बनाना होता तो ये आगे की कहानियाँ क्यों बताता कि क्यों ये हाईली लिक्विड होना चाहिए, रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश होना चाहिए एंड सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू होना चाहिए, है ना, ये 3 एडिशनल क्रिटेरिया है। तो इस कारण से जनरली आप ये समझ के चलें कि 3 महीने से कम की इन्वेस्टमेंट, बाकी अदर क्रिटेरिया फुलफिल हो तो वो कैश इक्विवेलेंट होगा। आप समझ रहे हैं दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। द कैश फ्लो स्टेटमेंट शुड रिपोर्ट कैश फ्लो ड्यूरिंग द पीरियड क्लासिफाइड बाय ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फिनांसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट इन 3 एक्टिविटी हेड में प्रेजेंट की जाती है। कैश फ्लो एसोसिएटेड विद एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स शुड बी क्लासिफाइड एज अराइजिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग
और फिनेंसिंग एक्टिविटी एज अप्रोप्रिएट एंड सेपरेटली डिस्क्लोज। अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कुछ होते हैं तो वो जिस एक्टिविटी से रिलेटेड होंगे हम उसके साथ इसे एसोसिएट्स कर देंगे, एस उसको क्लासिफाई उसी एक्टिविटी में लेकर जाएंगे, है ना, उसी एक्टिविटी के कैश फ्लो में हम दिखाएंगे एंड इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को मैं सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे हम। दोस्तों एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स पे एक सेपरेट स्टैंडर्ड है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, आप जरूर देखना। चलिए अब आप यहाँ चार्ट से देखेंगे, इंस्टीट्यूट ने बहुत ही अच्छा चार्ट प्रिपेयर कर रखा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्रिंस, इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल रेवेन्यू, प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी एंड अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप किसे कहते हैं, जो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है, ऐसी एक्टिविटी जिससे उसका मेन रेवेन्यू जनरेट होता है, उस एक्टिविटी को एंड अदर एक्टिविटी जो इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। दोस्तों आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट तो अभी आपने कहाँ डाल दिया, कैश इक्विवेलेंट में, है ना, जो 3 महीने से कम का है, अदर क्राइटेरिया फुलफिल करना, जैसे हाईली लिक्विड होना चाहिए, है ना, इनसिग्निफिकेंट रिस्क होना चाहिए, है ना, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, उस इन्वेस्टमेंट को छोड़ के बाकी सारे इन्वेस्टमेंट एंड एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, ये उसी एसेट्स की बात कर रहे हैं जो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हेल्प करते हैं, जैसे आपके प्लांट एंड मशीनरी, ये आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगे। क्यों, आपने एक्विजिशन किया, एक्विजिशन मीन्स परचेज करना, बाय करना, लॉन्ग टर्म एसेट्स प्लांट एंड मशीनरी आपके लिए लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं क्योंकि इससे आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं गुड्स का, है ना, या उसे बेचते हैं या खरीदते हैं, वो आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगे। नेक्स्ट फिनांसिंग एक्टिविटी, एक्टिविटी दैट रिजल्ट इन चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल इंक्लूडिंग प्रिफरेंशियल कैपिटल इन द केस ऑफ कंपनी एंड बोरोइंग। कंपनी के केस में दोस्तों आप जानते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रिफरेंस शेयर कैपिटल दो तरह की होती है, ये आप अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी वाले वीडियो जरूर देखें, वहाँ आपने बहुत ही इसका फंडा क्लियर होगा। फिलहाल यहाँ फिनांसिंग एक्टिविटी, जैसा अभी भी मैंने बात करा था शुरू में ही, क्या होता है, एक्टिविटी दैट रिजल्ट इन चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल, है ना, ओनर्स की कैपिटल एंड बोरोइंग्स, बोरोइंग्स में लोन्स डिपॉजिट्स डिबेंचर्स सभी आ जाते हैं, है ना, ये मैंने डिफरेंस बताया है लोन एंड बोरोइंग में क्या डिफरेंस होता है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी वाले वीडियो में आप जरूर देखें, है ना। और कंपनी के केस में प्रिफरेंशियल कैपिटल भी ओनर्स का ही कैपिटल माना जाएगा, ना कि इसे बोरोइंग में ले जाते हैं, है ना। अल्टीमेटली हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये देखने हैं कि जो बिजनेस को एंटरप्राइज को एंटिटी को फाइनेंस कहाँ से मिल रहे हैं, है ना, उसमें क्या चेंज हो रहा है, आप लोन ले रहे हैं दे रहे हैं वापस रीपेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं, है ना, वो सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दोस्तों अगर कोई टर्म या कोई टॉपिक आपसे मिस हो जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है, आप वीडियो रिवाइंड कर देखें, दोबारा से देखें,
है ना, रिपीट कर देखें। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग मेथड्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आपने दोस्तों देख लिया तीन एक्टिविटी, कैश फ्लो को आपने तीन एक्टिविटी में अलग अलग डिवाइड करने हैं। अब ईच एक्टिविटी में दो मेथड्स होते हैं, है ना। अब इन्होंने बताया कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उसको रिपोर्ट कैसे करोगे आप। इनके दो मेथड्स बताए गए, पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मेजर क्लासेज ऑफ ग्रॉस कैश रिसीव एंड पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर प्रेजेंटेड। क्या कह रहे हैं, डायरेक्ट मेथड में मेजर क्लासेज ऑफ ग्रॉस कैश रिसीट एंड पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर प्रेजेंटेड। नॉर्मल सी बात है, डायरेक्टली जो इनकमिंग रिसीट और पेमेंट आउटगोइंग उसे आपने प्रेजेंट कर देनी है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हो। इनडायरेक्ट मेथड, इसमें कैसे करेंगे आप रिपोर्ट, नेट प्रॉफिट लॉस इज एडजस्टेड फॉर इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ नॉन कैश नेचर, डेफरल्स और एक्रूअल्स ऑफ पास्ट और फ्यूचर ऑपरेटिंग कैश रिसीट और पेमेंट्स एंड इनकम एंड एक्सपेंस आइटम्स एसोसिएटेड विद इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैश फ्लोज। क्या कह रहे हैं ये, इनडायरेक्ट मेथड में आप कैसे रिपोर्ट करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी को। इसमें दोस्तों रिवर्स कैलकुलेशन होती है। रिवर्स कैलकुलेशन मींस आपने नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिया होता है वहां से शुरू करने होते हैं। इसका मतलब आपने कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी, ये इसी एडजस्टमेंट की बातें कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट लॉस की एडजस्टेड, उसे एडजस्ट करेंगे मींस कुछ आइटम्स ऐड होंगे, कुछ आइटम्स लेस होंगे। फॉर इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑफ नॉन कैश नेचर्स, नॉन कैश नेचर की जितनी ट्रांजेक्शन है उसे उसका एडजस्टमेंट होगा। डेफरल्स और अक्रूअल्स, इनका भी एडजस्टमेंट होगा। जो कि आपने कर रखा है डेफरल्स या अक्रूअल जो कि आपने किया है पास्ट में फ्यूचर ऑपरेटिंग कैश रिसीट और पेमेंट के लिए एंड इनकम एंड एक्सपेंस के लिए जो एसोसिएट्स है इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग कैश फ्लोज, है ना। इसके बारे में और भी डिटेल आपने आगे दिखेगी, मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको लाइव करवाऊंगा और बाकी जो एग्जांपल्स हैं वो तो हैं। चलिए नेक्स्ट, रिपोर्टिंग ऑफ फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज। दोस्तों एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिजनेस में ये आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कैश फ्लो फॉरेन करेंसी में ही होती है ना। फॉरेन करेंसी मीन्स जो हमारी करेंसी नहीं है, जो हमारे लिए, हम इंडिया में हैं, हमारे लिए अदर देन इंडियन करेंसी, अदर देन इंडियन रुपीज फॉरेन करेंसी है ना। कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजेक्शन इन अ फॉरेन करेंसी टू बी रिकॉर्डेड इन रिपोर्टिंग करेंसी ऑफ द एंटरप्राइज यूजिंग द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ कैश फ्लो। क्या कह रहे हैं ये, कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजेक्शन इन अ फॉरेन करेंसी, आपको कैश फ्लो हुआ मीन्स कैश गया या कैश आया तो आप उसे कैसे रिकॉर्ड करोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। आप उसे रिकॉर्ड करोगे रिपोर्टिंग करेंसी में, रिपोर्टिंग करेंसी मीन्स हमारी करेंसी, हमारी इंडियन करेंसी में उसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे डॉलर है, डॉलर आया या डॉलर गया, उसे हम उस डेट को जो रेट ऑफ एक्सचेंज चल रहा होता है उस रेट ऑफ एक्सचेंज से
इंडियन करेंसी मीन्स रिपोर्टिंग करेंसी में उसे कन्वर्ट करेंगे उनकी वैल्यू, और उस वैल्यू पे हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट ऑन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हेल्ड इन अ फॉरेन करेंसी। क्या कह रहे हैं ये, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट में जो डिफरेंस आएगा आपको उसके इफेक्ट के बारे में ये बात कर रहा है, ऑन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हेल्ड इन फॉरेन करेंसी। आपने ऑलरेडी फॉरेन करेंसी हेल्ड कर रखा है, उस जब आपने बाय किया उस फॉरेन करेंसी को और जब आप सेल कर रहे हो उस फॉरेन करेंसी को, इन दोनों में जो डिफरेंस आपको आ रहा है, दोनों के एक्सचेंज डिफरेंस मीन्स जब आप बाय किया उस दिन उस फॉरेन करेंसी का रेट कुछ और चल रहा होगा, जिस दिन आपने सेल किया उस दिन उस फॉरेन करेंसी का रेट कुछ और चल रहा होगा, सेम संभावना बहुत कम होती है ना, क्योंकि फॉरेन करेंसी हमेशा फ्लक्चुएट होती है, उनका रेट हमेशा फ्लक्चुएशन में रहता है, वो फ्लक्चुएट होती रहती है। तो इनमें जो डिफरेंस होगा उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे ये यहाँ बता रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इनकी रिपोर्टिंग। टू बी रिपोर्टेड एज अ सेपरेट पार्ट ऑफ द रिकॉन्सिलेशन ऑफ द चेंजेज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड। आप समझ गए, इनका सेपरेट पार्ट बनाएंगे हम रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, टू बी रिपोर्टेड एज सेपरेट पार्ट ऑफ द रिकॉन्सिलेशन ऑफ द चेंजेज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द पीरियड। मीन्स इन्हें एक सेपरेट हेडिंग देंगे, रिकॉन्सिलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस, है ना, इस तरह से हम एक हेडिंग देंगे और उसे एडजस्ट करेंगे। इन सब पर मैं एक एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, आप वहां पे और ज़्यादा क्लियर होंगे। फिलहाल ये अभी क्विक रेफरेंस में आपको बता रहा हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या है इसमें, है ना, इनकी गूढ़ बातें, इनके सारे टूल्स एंड ट्रिक हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। मीन्स आप, हम तो ऑलरेडी सीख चुके हैं, कई बार सीख चुके हैं, अब आपको सिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि इस तरह से होता है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज। अब एक समस्या आ जाती है दोस्तों, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनका काम ही होता है इन्वेस्टिंग, जैसे बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन कंपनीज, और जो शेयर मार्केट में ट्रेड करती है, जिनका काम है शेयर खरीदना और बेचना, तो ये फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज कहे जाते हैं। बाकी अदर नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज, अब फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज के लिए इंटरेस्ट एंड डिविडेंड तो नॉर्मल है, वो तो उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, उनका नॉर्मल बिजनेस है, तो वहाँ पे उनका अलग ट्रीटमेंट होगा अदर्स इंटरप्राइजेज के लिए। बाकी जितने इंटरप्राइज बचते हैं उनके लिए इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अगर रिसीव हो रहा है तो वो उनके लिए नॉर्मल नहीं है, या वो पे भी कर रहे हैं तो वो उनके लिए नॉर्मल नहीं है, है ना, उनके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो वो या तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। यही बातें यहाँ क्लियर किया है, आइए देखते हैं। पहले हम पढ़ते हैं नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज के बारे में, इनके रिस्पेक्ट में इंटरेस्ट पेड कहाँ ले जाएंगे हम, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, इनका क्लासिफिकेशन हम कहाँ करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्हें हम क्या मानेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट आप तभी पे करते हैं जब आपने कुछ लिया है, लोन, बोरोइंग्स, है ना? इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट आपको कब रिसीव होगा? जब आपने कुछ इन्वेस्ट किया, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना। डिविडेंड पेड, डिविडेंड आपको पे करने की जरूरत कब होती है? जब आपकी एंटरप्राइज है, कंपनीज हैं, और वो अपना प्रॉफिट का हिस्सा अपने ओनर्स को देती है, है ना? ओनर्स को मिलने वाला प्रॉफिट का हिस्सा डिविडेंड कहा जाता है। तो कंपनियां, मीन्स आपकी एंटरप्राइज, डिविडेंड तभी देंगी जब उनके ओनर को डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा, तो वो फिनांसिंग एक्टिविटी कहलाएगा, है ना? नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड आपको कब मिलेगा? जब आपने इन्वेस्ट किया होगा ना किसी कंपनी में। तो ये हम अभी पढ़े हैं नॉन फिनेंशियल इंटरप्राइजेज के लिए, अब पढ़ने वाले हैं फिनेंशियल इंटरप्राइजेज के लिए। इंटरेस्ट पेड, नॉर्मल सी बात है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। क्यों? क्योंकि इनके लिए लोन लेना एंड देना दोनों ही नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहा जाएगा, होता है, सॉरी, इनके लिए ये नॉर्मल है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये इन्वेस्ट भी करते हैं, है ना, लोन देते हैं, ये नॉर्मल बिजनेस है इनका। डिविडेंड पेड, लेकिन दोस्तों डिविडेंड तो तभी देते हैं ना जब आपको अपने ओनर्स को उनका प्रॉफिट का हिस्सा देना होता है, है ना? तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। तो आपने देखा डिविडेंड पेड दोनों ही टाइप के एंटरप्राइज के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही कहा जाएगी। एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ये तो इनके लिए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्लासिफाई होगा। नेक्स्ट, टैक्सेज ऑन इनकम। दोस्तों आप जानते हैं इनकम होती है, इनकम टैक्स लग जाता है, आपको इनकम टैक्स पे करना होता है, जिनके कई सारे क्रिटेरिया होते हैं कि कब पे करने हैं, कितना पे करना है या नहीं पे करना है, है ना? इसके लिए तो एक लॉ ही लिखा गया है, इनकम टैक्स एक्ट एंड रूल्स, जिसके लिए मैं हमेशा टाइम टू टाइम आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ, आप देखते रहें चैनल को, प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियो सेक्शन में भी आप देख सकते हैं, आपने बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेंगी वहाँ से। फिलहाल हम यहाँ देखते हैं टैक्सेज ऑन इनकम, कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम टैक्सेज ऑन इनकम शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज एंड शुड बी क्लासिफाइड एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अनलेस दे कैन बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड विद फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या मतलब हुआ दोस्तों यहाँ? जो आप टैक्स पे करते हो या आपको रिफंड भी मिलता है कभी कभी, है ना, टैक्स का, तो वो आपको क्लासिफाई करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, अनलेस स्पेसिफिकली अगर वो फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माना जाए या फिर ऐसे में आइडेंटिफाई किया जाए तो वो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माना जाएगा, अदरवाइज ये आपकी नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही माना जाएगा, होता भी है ना। नेक्स्ट, नॉन कैश ट्रांजेक्शंस, इन्वेस्टिंग एंड फिनांसिंग एक्टिविटी ट्रांजेक्शंस दैट डू नॉट रिक्वायर टू यूज कैश और कैश इक्विवेलेंट
शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट। सामान्य सी बात है। सच ट्रांजेक्शन शुड बी डिस्क्लोज एल्सवेयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ वे दैट प्रोवाइड ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दीज इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। समझिए दोस्तों, इसको एक्सक्लूड कर देंगे फाइनेंसिंग या फिर इन्वेस्टिंग ट्रांजेक्शन्स हैं, है ना, जो दैट डू नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ कैश, जो कैश यूज नहीं करते हैं, ऐसे नॉन कैश ट्रांजेक्शन जो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्लासीफाई होते हैं, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से आप एक्सक्लूड करते हैं और उसे आप डिस्क्लोज करते हैं कहीं और, मीन्स नोट्स ऑन अकाउंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ वे दैट प्रोवाइड ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दीज फाइनेंसिंग एंड एक्टिविटी। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। एन एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज द कंपोनेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दैट शुड प्रेजेंट अ रिकंसिलिएशन ऑफ द अमाउंट इन इट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट विद द इक्विवेलेंट आइटम्स रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट। तो आप समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट, दोस्तों क्विक रेफरेंस में आपने यही बताना था इंस्टीट्यूट को कि आपने मोटे तौर से आम तौर पर एक रफ आइडिया, एक ओवरव्यू आपने मिल गया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये बातें मुख्यतया होती हैं, है ना, इस तरह से प्रिपेयर होती हैं। ये देखने के बाद, अवधि तक का वीडियो देखने के बाद, आप एग्जैक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना पाएंगे। आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा, मिल गया होगा कि मोटे तौर पे कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, क्यों बनाना पड़ता है, क्यों प्रिपेयर करना पड़ता है, प्रेजेंट करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एंड इनके क्या क्या टर्म हैं, किस तरह से बनते हैं ये, है ना। अब आपको एग्जैक्ट इन डिटेल चलते हैं कि कैसे एग्जैक्टली कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं एंड करेक्टली एज पर स्टैंडर्ड्स, है ना। आइए, यहाँ पे इन्होंने कुछ इंट्रोडक्शन दे रखा है आपको, चलिए रीड आउट करते हैं, एक रिवीजन भी हो जाएगा आपका, है ना। दिस स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी फॉर द एंटरप्राइजेज विच फॉल इन द कैटेगरी ऑफ लेवल वन, मीन्स विच इज क्लासिफाइड बाय ICAI एट द एंड ऑफ रिलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड। लेवल वन आप कब चेक करेंगे, उस अकाउंटिंग पीरियड के एंड, मीन्स जिस अकाउंटिंग पीरियड के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसके 31st डेट को, मीन्स जिस डेट की आप बैलेंस शीट बना रहे हैं उस डेट पे आप ये चेक करेंगे कि ये लेवल वन एंटिटी है या नहीं। आप समझ गए, लेवल्स डिसाइड करने का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप वो वीडियो जरूर देखेंगे भविष्य में। फॉर ऑल अदर इंटरप्राइजेज तो इट इज नॉट कंपल्सरी बट इट इज इनकरेज टू प्रिपेयर सच स्टेटमेंट, लेकिन रिकमेंड किया जाता है, मैंडेटरी नहीं है। लेवल वन एंटिटी के लिए तो मैंडेटरी है ना, अदर्स के लिए रिकमेंडेटरी है। और आपने दोस्तों देखा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तीन टाइप की कंपनी छोड़कर सभी के लिए मैंडेटरी है। वो तीन टाइप की कंपनियां कौन है जिनके लिए मैंडेटरी नहीं है? पहला ओपीसी कंपनी, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी। दोस्तों मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा टाइप्स ऑफ कंपनीज, जो डिसाइड किया जाता है अलग अलग आधार पर,
है ना, आप वो जरूर देखना। मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि किस किस आधार पे कंपनियों को डिवाइड किया जाता है और उस टाइप की कंपनियों को किस नाम से पुकारा जाता है। जैसे कुछ कंपनी स्मॉल कंपनी कही जाती है, कुछ कंपनी डोरमेंट कंपनी कही जाती है ना। चलिए फिलहाल हम AS3 पे आते हैं। हियर एन एंटरप्राइज वॉज नॉट कवर्ड बाई दिस स्टेटमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बट क्वालिफाइज इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड, है ना। प्रीवियस मीन्स पिछला साल, करंट अकाउंटिंग पीरियड मीन्स इस साल, जिस साल के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। दे आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज द फिगर फॉर द करस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर्स, उन्हें करस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर्स का फिगर दिखाने की जरूरत नहीं है। ये क्या होता है दोस्तों, करस्पॉन्डिंग, इसके लिए आप अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी वाला वीडियो जरूर देखें, है ना। करस्पॉन्डिंग फिगर आप समझ गए होंगे, दो कॉलम होते हैं, है ना, दिस ईयर एंड प्रीवियस ईयर, दोनों को जो फिगर दिखाए जाते हैं, इस ईयर में ये अमाउंट था, पिछले ईयर में ये अमाउंट था, ये इसी की बात कर रहे हैं। वेयर एज इफ एन अमाउंट क्वालिफाइज अंडर दिस स्टेटमेंट टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बट नाउ डिसक्वालिफाइड विल कंटिन्यू टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर अनदर टू कंजिक्यूटिव ईयर्स। अब आपको पिछले पिछले फिनेंशियल ईयर तक आपके मैंडेटरी थे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, तो इस ईयर में भी अगर आपको मैंडेटरी नहीं है, इस ईयर में आपको मैंडेटरी नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, फिर भी आपको अगले दो वर्षों तक, नेक्स्ट टू ईयर तक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ही पड़ेगा, प्रिपेयर करना ही होगा। समझिए आप, क्यों, कंपेयर्ड एबिलिटी कॉन्सेप्ट के लिए, है ना। यूजर्स ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट को बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस एंड कैश फ्लो, ये तो कैश फ्लो ही है ना, मेन फिनेंशियल स्टेटमेंट एक कंपोनेंट तो कंपेयर नहीं कर पाएगा। अगर आप इस ईयर में नहीं बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि आपने लास्ट ईयर तो किया होगा, तो फिर इस ईयर का फिगर नहीं है, तो वो कैसे कंपैरिजन करें, है ना। इसलिए आपको कंपलसरी होता है नेक्स्ट टू कंजिक्यूटिव ईयर मीन्स नेक्स्ट टू ईयर्स तक आपने प्रिपेयर करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए। CFS, शॉर्ट फॉर्म CFS, जैसा मैंने डिस्कस कर दिया है, फिर भी यहाँ से दोबारा से देखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन द फॉर्म ऑफ एन स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट्स द वेरियस सोर्स फ्रॉम वेयर कैश वॉज जनरेटेड, इनफ्लो ऑफ कैश बाई एन एंटरप्राइज ड्यूरिंग द रिलेवेंट अकाउंटिंग ईयर एंड हाउ दीज कैश इनफ्लोज वेयर यूटिलाइज्ड, मीन्स आउटफ्लो ऑफ कैश बाय द एंटरप्राइज। दिस हेल्प्स द यूजर ऑफ द अकाउंट्स, मीन्स फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, मीन्स यूजर्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, यूजर्स को क्या मदद मिलती है, टू आइडेंटिफाई हिस्टोरिकल चेंजेज इन कैश फ्लो ऑफ इन द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेक्स्ट टू डिटरमाइन द फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, है ना, फ्यूचर रिक्वायरमेंट पता लग जाए, नेक्स्ट टू असेस द एबिलिटी टू जनरेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इनकी फ्यूचर क्षमता क्या होगी कैश जनरेट करने की, वो आप पता लगा पाएंगे, टू एस्टिमेट द फर्दर रिक्वायरमेंट ऑफ जनरेटिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट,
आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि भविष्य में कितनी कैश जनरेट करने की इन्हें आवश्यकता है। टू कंपेयर द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट इंटरप्राइजेज, जब आप इनकी एनालिसिस करेंगे, रेशियो एंड ट्रेंड एनालिसिस एंड अदर टेक्निकल एनालिसिस, उस समय आप इनके एफिशिएंसी जरूर चेक करेंगे, ऑपरेशनल एफिशिएंसी है ना, उसे आप कंपेयर भी करेंगे दूसरे इंटरप्राइज, तो वहाँ पे ये मदद करेंगे आपको। टू स्टडी द इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी पोजिशन ऑफ एन एंटरप्राइज, ये आपको गोइंग कंसर्न, इंसॉल्वेंसी मीन्स गोइंग कंसर्न, ये कहीं बीच तो नहीं हो जाएगा है ना, इन्हें कैश की कमी, लिक्विडिटी मीन्स इनकी कैश की कमी तो नहीं हो जाएगी इन्हें, इस इंटरप्राइज को, ये आप इससे पता लगा सकते हैं। एज एन इंडिकेटर ऑफ एन अमाउंट, टाइमिंग एंड सर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, फ्यूचर में क्या कैश फ्लो होने वाला है उसका एक इंडिकेटर आपको पता लग जाएगा। टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ पास्ट असेसमेंट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, आप ये पता लगा पाएंगे कि पास्ट ईयर्स में जो इन्होंने कैश फ्लो का फॉरकास्ट किया था वो कितनी एक्यूरेट थी, क्योंकि उन्होंने पहले फॉरकास्ट कर दिया, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर हुआ, उसमें जब आप देख रहे हैं दोनों कंपेरिजन कर रहे हैं तो आप वो चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट, इन एग्जामिनेशन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड नेट कैश फ्लो एंड द इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग प्राइसेज, आप जानते हैं दोस्तों प्रॉफिट हो और कैश भी सेम अमाउंट का है ये जरूरी नहीं है, क्यों, वेरियस रीजन है। एक रीजन एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मीन्स कैश का फ्लो हुआ या नहीं हुआ, कैश का फ्लो नहीं भी हो तो भी आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया तो वहां तो प्रॉफिटेबिलिटी एग्जैक्ट दिखेगी, लेकिन कैश ना होने के कारण अगर सिर्फ कैश के आधार पे अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा है ना, तो उनका क्या रिलेशन आपको दिख रहा है, क्या वेरिएशन है, क्या अंतर आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, उनकी कितनी रिक्वायरमेंट आपको कैश की है, ये सारी बातें आपने यहाँ से कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता लग जाती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे कि यूजर्स को इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए, ये एनालिसिस करने के लिए, ये जानने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने होते हैं। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ टर्म कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट, दोस्तों इनका डिटेल हमने अभी पढ़ा था किक रेफरेंस में, फिर भी हम दोबारा से यहाँ पढ़ लेते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, कैश इन हैंड एंड डिपॉजिट रीपेबल ऑन डिमांड विद एनी बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सेकंड, कैश इक्विवेलेंट विच आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इंटू नोन अमाउंट ऑफ कैश एंड आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क और चेंज इन वैल्यू। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज वन विच इज ड्यू फॉर मैच्योरिटी विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। इन्वेस्टमेंट इज शेयर आर नॉट नॉर्मली टेकन एज कैश इक्विवेलेंट बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड विद देम एज टू रियलाइजेबल वैल्यू। तो सेम टू सेम है दोस्तों, यहाँ उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है शेयर्स का, जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आप कैश इक्विवेलेंट नहीं मान सकते, भले ही आप उन्हें 1 महीने में ही क्यों ना बेचने वाले हों है ना, वो तो आप कल चाहे कल बेच सकते हैं, 1 दिन में बेच सकते हैं, 2 दिन में बेच सकते हैं, लेकिन इनमें चेंज इन वैल्यू कितना होगा ये सर्टेन नहीं है, वो रिस्क इनसिग्निफिकेंट भी हो सकती है, सॉरी इनसिग्निफिकेंट नहीं है, वो सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकता है, ये संभावना है ना, इसलिए आप शेयर्स को
कैश इक्विवेलेंट नहीं मानते हैं नॉर्मली, है ना। नोट, फॉर द पर्पस ऑफ कैश फ्लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट थ्री बैलेंस शीट टर्म्स, जैसे कि कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा, एंड इन्वेस्टमेंट रिगार्डेड एज कैश इक्विवेलेंट्स। फॉर दिस रीजन द एस थ्री रिक्वायर्स इंटरप्राइज टू गिव अ ब्रेकअप ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश शोन इन देयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। दिस इज प्रेजेंटेड अ नोट टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब यहाँ पे दोस्तों कैश फ्लो का क्या मतलब है, कैश फ्लो एक वर्ड है, टर्म है, इसका क्या मतलब है, आइए देखते हैं। कैश फ्लो आर इनफ्लो दैट इज रिसीट और आउटफ्लो दैट इज पेमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। एनी ट्रांजेक्शन विच डज नॉट रिजल्ट इन कैश फ्लो शुड नॉट बी रिपोर्टेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। मूवमेंट विद इन कैश और कैश इक्विवेलेंट आर नॉट कैश फ्लो बिकॉज दे डू नॉट चेंज कैश एज डिफाइंड बाई एस थ्री विच इज सम ऑफ कैश बैंक एंड कैश इक्विवेलेंट। फॉर एग्जाम्पल एक्विजिशन ऑफ कैश इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट और कैश डिपॉजिट इन टू बैंक आर नॉट कैश फ्लो। समझिए दोस्तों, जो ऑलरेडी कैश इक्विवेलेंट है वो कैश फ्लो कैसे मानेंगे आप। एग्जाम्पल इन्होंने बताया एक्विजिशन ऑफ कैश इक्विवेलेंट इंस्ट्रूमेंट्स, मीन्स एक महीने के लिए आपने बैंक में एफडी किया, या फिर कैश डिपॉजिट बैंक सेम क्वेश्चन सेविंग अकाउंट में करंट अकाउंट में, ये कैश फ्लो नहीं माना जाएगा, है ना, क्योंकि आप इन्हें कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड कर चुके ऑलरेडी। एक इन्होंने अदर एग्जाम्पल लिया है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट चेंज इन कैश डज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाय कैश फ्लो। फॉर एग्जाम्पल सपोज एन एंटरप्राइज हैज बैंक बैलेंस $10,000 स्टेटेड इन बुक्स एट 4,90,000 यूजिंग द एक्सचेंज रेट 49 पर प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ डॉलर। जिस दिन डॉलर रिसीट किया, रिसीव हुआ, उस दिन 49 पर डॉलर रेट था। इफ द क्लोजिंग रेट ऑफ एक्सचेंज इज ₹50 पर $, द बैंक बैलेंस विल बी रीस्टेटेड एट 5,00,000 ऑन द बैलेंस डेट। द इंक्रीज इज हाउएवर नॉट अ कैश फ्लो बिकॉज नाइदर देयर इज एनी कैश फ्लो कैश इनफ्लो नॉर देयर इज एनी कैश आउटफ्लो, है ना। ये वही बात कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस की, है ना। इसमें और भी कई सारी बातें आएंगी, आगे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग। यही बातें हैं इंग्लिश में लिखी हुई हैं, कैश फ्लो फॉरेन एंटरप्राइज अकर्ड इन वेरियस वे, एग्जाम्पल थ्रू ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंस बाय और बाय बोरोइंग और रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग और बाय एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तीनों की बात कर दिया इन्होंने। द इम्प्लीकेशन ऑफ ईच टाइप ऑफ कैश फ्लो इज क्लियरली डिफरेंट, है ना, आपको देखने से पता लग रहा है तीनों डिफरेंट। कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ और यूजफुल फिक्स्ड एसेट्स इज लाइकली टू हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज एंड इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम कैश रिसीव्ड थ्रू ऑपरेटिंग इनकम और कैश रिसीव्ड थ्रू बोरोइंग। इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट इम्प्लीकेशन ऑफ ईच कैश फ्लो टाइप आर इंटर रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल बोरोड कैश यूज फॉर मीटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंस
इज नॉट सेम एज बोरोड कैश यूज फॉर एक्विजिशन ऑफ यूजफुल फिक्स्ड एसेट्स। तो तीनों इंटरलिंक हो गए, बोरो हुआ मनी आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में खर्च कर दिए या फिर फिक्स्ड एसेट्स में खर्च कर दिए, है ना। लेकिन तीनों अलग एक्टिविटी माने जाएंगे क्योंकि है ही तीनों अलग एक्टिविटी। फॉर द अफोरसेड रीजन द स्टैंडर्ड आइडेंटिफाइज थ्री टाइप्स ऑफ कैश फ्लो, दैट इज ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज एंड फाइनेंस कैश फ्लोज। सेपरेट प्रेजेंटेशन ऑफ ईच टाइप ऑफ कैश फ्लो इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट इम्प्रूव यूजफुलनेस ऑफ कैश फ्लो इंफॉर्मेशन। द ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आर कैश फ्लो जनरेटेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी और बाय अदर एक्टिविटी दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया पहले ही। फॉर एग्जाम्पल्स इंक्लूड कैश परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, ये एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर फॉर गुड्स, पेमेंट टू सप्लायर ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरीज वेजेज रेंट्स एटसेट्रा, ये सब क्या हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ये आपको करना ही होता है, करते ही हैं। द इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज आर कैश फ्लो जनरेटेड बाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। सेम टू सेम डेफिनेशन है, क्विक रेफरेंस वाली, है ना। द एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टिंग कैश फ्लो इंक्लूड कैश फ्लो रेजिंग फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इंक्लूड, एग्जाम्पल बता रहे हैं, रिसीट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपके पास फिक्स्ड एसेट्स था आपने बेच दिया उससे जो कैश रिसीव हुआ, है ना। लोन गिवन टू और रिकवर्ड फ्रॉम अदर एंटिटीज, क्या हुआ कहने का मतलब, लोन आपने दिया या रिकवर किया, लोन रिपेमेंट वापस लिया आपने, है ना। अदर देन लोन बाय फिनेंशियल इंटरप्राइज, अभी आपने क्विक रेफरेंस में देखा था ना, फिनेंशियल इंटरप्राइज नॉन फिनेंशियल इंटरप्राइज, इन्हीं की बात कर रहे हैं। पेमेंट टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स, आपने फिक्स्ड एसेट्स परचेज किया उसके लिए आपने पेमेंट दिया, तो ये कौन सी एक्टिविटी होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अर्न आपको मिलेगा, क्यों मिलेगा, आपने कुछ इन्वेस्ट किया होगा ना, आपने लोन दिया होगा वो इंटरेस्ट मिला। डिविडेंड कब हुआ, कहीं आपने ओनर्स एज ओनर्स इन्वेस्ट किया है ना, तो आपने डिविडेंड मिला होगा किसी कंपनी से, जिस कंपनी का आपने शेयर खरीदा, तो वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये किन के लिए इन्वेस्टिंग माना जाता है, अदर देन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अर्नड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा अर्नड होगा तो ये क्या माना जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग कैश फ्लो आर द कैश फ्लो जनरेटेड बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द ओनर्स कैपिटल इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल कैपिटल इन द केस ऑफ कंपनी एंड ऑपरेटिंग ऑफ द एंटरप्राइज। फॉर एग्जाम्पल इट इंक्लूड्स इशू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडम्पशन मीन्स रिपेमेंट, है ना, डिवेंचर का प्रिफरेंस शेयर का रिडम्पशन मीन्स वापस कर रहे हैं आप पैसे प्रिफरेंस शेयर वालों को, डिवेंचर होल्डर वालों को। पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स टू द ओनर्स मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट पेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन।
अब आप समझ रहे हैं ना, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए अगर वो इंटरेस्ट पे भी कर रहा है तो वो उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, वो ऑर्डिनरी बिजनेस है, वो है ना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ कैश फ्लोज। अभी आपने आइडेंटिफाई कर दिया, कैसे आइडेंटिफाई करें कि आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिनेंसिंग एक्टिविटी है ना। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी को प्रेजेंट करने का दो तरीका है, दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को हम डायरेक्ट मेथड से प्रेजेंट करते हैं, फिनेंसिंग एक्टिविटी को डायरेक्ट मेथड से प्रेजेंट करते हैं, और भी कई सारी बातें हैं, ग्रेजुअली हम स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे। आइए देखते हैं, कैश फ्लो टाइप डिपेंड्स ऑन द बिजनेस ऑफ द एंटरप्राइज एंड अदर फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, सिंस प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ एंटरप्राइज कंसिस्ट ऑफ बोरोइंग, लेंडिंग, इन्वेस्टिंग, लोन गिवन एंड इंटरेस्ट अर्नड आर ऑपरेटिंग कैश फ्लो फॉर फाइनेंशियल इंटरप्राइज एंड इन्वेस्टिंग कैश फ्लो फॉर अदर एंटरप्राइज। अ फ्यू टिपिकल केस आर डिस्कस्ड बिलो। जैसा अभी मैंने आपको डिस्कस किया था, उनका ही कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। आइए देखते हैं, लोन, एडवांसेज गिवन एंड इंटरेस्ट अर्नड। लोन एंड एडवांसेज गिवन एंड इंटरेस्ट अर्नड ऑन देम इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आर ऑपरेटिंग कैश फ्लो फॉर फाइनेंशियल इंटरप्राइज एंड इट इज इन्वेस्टिंग कैश फ्लो फॉर नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइज है ना। नेक्स्ट, लोन एंड एडवांस गिवेन टू सब्सिडियरीज ऑफ इंटरेस्टेड अर्न ऑन देम आर इन्वेस्टिंग कैश फ्लो फॉर ऑल इंटरप्राइज। लोन एंड एडवांसेज गिवेन टू सब्सिडियरीज। सब्सिडियरी क्या होता है? सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी का मतलब आपके बच्चा कंपनी, इनका मत, ये बच्चा कंपनी कहने का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो कंपनी है इनकी वो कंपनी है। इनका क्या कहने का मतलब कि आपकी जो मेन कंपनी है जिनका आप कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, उस कंपनी ने एक नई कंपनी बनाई है, नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाई है, या फिर नई कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है जिनमें मेजर शेयर होल्डिंग इस कंपनी का है। मीन्स उस कंपनी में इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट है जो मेजर है, मेजर रोल प्ले करता है, नॉर्मली 50% से ज़्यादा होल्ड करता है शेयर होल्डिंग का, है ना। तो एक तरह से वो ओनर कंपनी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी ये मेन कंपनी ने उस छोटी कंपनी में चीन में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, वहां से जो भी इंटरेस्ट आएगा वो आपके लिए इन्वेस्टिंग कैश फ्लो माना जाएगा, चाहे आपका एंटरप्राइज फिनेंशियल एंटरप्राइज क्यों ना हो। हम मानते हैं कि फिनेंशियल एंटरप्राइज के लिए लोन एडवांस देना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, लेकिन लेकिन जब आप सब्सिडियरी, अपनी सब्सिडियरी कंपनी में देते हैं, मीन्स ये इनका बच्चा कंपनी हो गया ना, इनमें आप लोन एंड एडवांस ये हो तो एक तरह से ओनर्स भी तो आप ही हो, है ना। तो कई सारी कंपनीज एक्ट के सेक्शन यहां पे लगते हैं,
उनकी धाराएं लगती हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, इसलिए उन्हें आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही मानना पड़ेगा एंड इन्वेस्टिंग कैश फ्लो ही मानना पड़ेगा। दोस्तों आप जानते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कानून को ओवरराइड नहीं करता है ना, कानून के साथ हार्मोनाइज करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करने के लिए बनाए जाते हैं, बेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट है ना। तो ये यूनिक एग्जांपल है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, लोन एंड एडवांसेज गिवन टू एम्प्लॉइज एंड इंटरेस्ट अर्नड ऑन देम आर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फॉर ऑल इंटरप्राइजेज। सेम सिचुएशन, आप नॉर्मल एंटरप्राइज हैं, नॉन फिनेंशियल एंटरप्राइज हैं है ना, तो आपके लिए तो ये नॉर्मल है कि अपने एम्प्लॉइज को आप लोन एडवांस दोगे है ना, तो वहाँ से जो भी इंटरेस्ट आप अपने एम्प्लॉइज से लेते हो लोन्स या एडवांस के लिए देने के अगेंस्ट, तो आप उन्हें ऑपरेटिंग कैश फ्लो मानते हैं। अब मानना ही पड़ेगा क्योंकि वो इन्वेस्टिंग में आप ले नहीं जा सकते क्योंकि आपने वो इन्वेस्ट नहीं किया ना, ये आपका नॉर्मल एक तरह से सैलरी एडवांस में आपने दिया था लेकिन आपने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया है ना, तो वो सैलरी आप क्यों देते हैं, नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रोसेस है ना, वो नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें सारी बातें नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानी जाएगी। तो ऐसा करने से आप जब फिनेंसिंग एक्टिविटी है तो भी सैलरी आपके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानी जाएगी, इसीलिए आप जब अपने एम्प्लॉई से एडवांस सैलरी पे जो इंटरेस्ट लेते हैं भले ही आप उसे लोन के रूप में दे रखा हो लेकिन है तो वो सैलरी का ही एडवांस एक तरह से है ना, तो ऐसा माना जाएगा कि वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही है। नेक्स्ट, एडवांस पेमेंट टू सप्लायर्स एंड इंटरेस्ट अर्नड ऑन देम आर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फॉर ऑल इंटरप्राइजेज है ना दोस्तों, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, क्या आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, आपका इंटेंशन इन्वेस्टमेंट करने का था, नहीं, आपको तो नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल्स या मटेरियल्स परचेज करने थे, आपकी मजबूरी थी कि आपको सप्लायर को एडवांस पेमेंट देना पड़ा, लेकिन आपके सप्लायर ने कहा कि मैं आपका नुकसान नहीं करूंगा, आपके जो फाइनेंस कॉस्ट लगते हैं एक नॉर्मल इंटरेस्ट मैं भी दे दूंगा, मुझे बस ये गारंटी चाहिए कि आप मेरे से परचेज करोगे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परचेज मैं कर लूँ, मैं मैन्युफैक्चर कर लूँ गुड्स, आप परचेज ना करो, मुझे बस इसकी सिक्योरिटी के लिए आप एडवांस पेमेंट दो, लेकिन मैं आपका नुकसान नहीं करूँगा, मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। तो इस तरह से जब आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंटरेस्ट आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कही जाएगी, वो इन्वेस्टिंग आप नहीं कह सकते क्योंकि आपका इंटेंशन इन्वेस्ट करने का था ही नहीं, वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एक आपने बाय प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, बस ये तो बाय प्रोडक्ट निकल गया है ना। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अर्नड फ्रॉम कस्टमर फॉर लेट पेमेंट आर ऑपरेटिंग कैश फ्लो फॉर नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज। सेम टू सेम दोस्तों, लेकिन यहाँ फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज के लिए ये क्या होगा, वो तो ऑर्डिनरली ऑपरेटिंग होगा ही होगा है ना। चलिए नेक्स्ट,
लोन एडवांसेस टेकन एंड इंटरेस्ट फैक्ट। अभी हमने लोन एडवांस गिवन पढ़ा, अभी आप देखते हैं लोन एडवांसेस टेकन। लोन्स एंड एडवांसेस टेकन एंड इंटरेस्ट पेड ऑन देम इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आर ऑपरेटिंग कैश फ्लो फॉर फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। आप समझ रहे हैं, लोन एंड एडवांसेस टेकन एंड इंटरेस्ट पेड ऑन देम आर फाइनेंसिंग कैश फ्लो फॉर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। ये भी आप जान रहे हैं, लोन एंड एडवांसेस टेकन फ्रॉम सब्सिडियरीज एंड इंटरेस्ट पेड ऑन देम आर फाइनेंसिंग कैश फ्लोज फॉर ऑल एंटरप्राइजेज। ये फाइनेंसिंग क्यों कहा जाएगा आप बताएं, क्यों? क्योंकि लोन एंड एडवांस आपने लिया है अपनी सब्सिडियरी से, है ना? कोई बात नहीं, आप किसी से भी लो, है ना? आप कोई भी इंटरप्राइज हो, आपने पैसे लिए ना, आपने इन्वेस्ट किया नहीं है, आप में किसी ने इन्वेस्ट किया, यहाँ इस केस में सब्सिडियरी ने इन्वेस्ट किया, इसका क्या मतलब क्या हुआ आपके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट, एडवांस टेकन फ्रॉम कस्टमर्स एंड इंटरेस्ट पेड ऑन देम आर ऑपरेटिंग कैश फ्लो फॉर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज। क्योंकि ये नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज के लिए ही होता है ना? फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज में कभी एडवांस मिलता नहीं है कस्टमर्स, अगर कोई एडवांस मिलता है तो इसका कहने का मतलब वो तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो माना जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड टू सप्लायर्स फॉर लेट पेमेंट आर ऑपरेटिंग कैश फ्लो फॉर ऑल इंटरप्राइजेज, है ना? सप्लायर है ना। नेक्स्ट, इंटरेस्ट टेकन एज पार्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद कैश AS 16, इन अकॉर्डेंस विद AS 16 आर ऑपरेटिंग कैश फ्लो। AS 16 क्या है दोस्तों? बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट मीन्स एज लाइक इंटरेस्ट एंड एडिशनल थिंग्स, जिसपे सेपरेट स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप वहां ज़्यादा क्लियरली समझेंगे। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट मेड एंड डिविडेंड अर्नड, इन्वेस्टमेंट मेड एंड डिविडेंड अर्नड ऑन देम इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फॉर फाइनेंशियल एंटरप्राइज। इन्वेस्टमेंट मेड एंड डिविडेंड अर्नड ऑन देम आर इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज फॉर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज। नॉर्मल बात है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी एंड डिविडेंड अर्नड ऑन देम आर इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज फॉर ऑल एंटरप्राइज। अभी हमने डिस्कस करा था ऊपर, डिविडेंड पेड आर फाइनेंसिंग कैश फ्लोज फॉर ऑल एंटरप्राइजेज इन एवरी केसेज। डिविडेंड पेड कभी भी आप देखें वो हमेशा फाइनेंस एक्टिविटी ही होगा, आप उसे फाइनेंसिंग कैश फ्लो ही मानेंगे। नेक्स्ट, इनकम टैक्स। टैक्स पेड ऑन ऑपरेटिंग इनकम इज ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फॉर ऑल एंटरप्राइजेज। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अगेंस्ट इनकम आर ऑपरेटिंग कैश फ्लो इफ कंसर्न्ड इनकम आर ऑपरेटिंग इनकम एंड इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज इफ द कंसर्न्ड इनकम आर इन्वेस्टिंग इनकम। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट अर्नड, दोस्तों आप जानते होंगे इंटरेस्ट जब आपको मिलता है तो बैंक्स या अदर्स पर्सन को भी TDS काटकर आपके पैन नंबर पे जमा करवानी होती है, जो आपको फॉर्म 26AS में इनकम टैक्स की वेबसाइट पर, मीन्स फिलहाल TDS की वेबसाइट पे आपको दिखता है,
जिसे फॉर्म 26S कहते हैं, जिसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं हाउ टू डाउनलोड और व्यू फॉर्म 26S, ये इसी की बात करते हैं। और जिसके बदले ये जिन्होंने आपका TDS काटा वो फॉर्म 16S फॉर्म 16E इशू करता है ना, वो TDS की वेबसाइट से जनरेट कर आपको देता है। तो अगर उन्होंने इंटरेस्ट पर TDS काटा तो वो इन्वेस्टिंग का स्रोत आ जाएगा, आउटफ्लो हो रहा है मीन्स जा रहा है ना, तो वो आउटफ्लो आ जाएगा, इन्वेस्टिंग कैश आउटफ्लो हो जाएगा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अगेंस्ट इन एक्सपेंस आर ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो इफ कंसर्न्ड एक्सपेंस आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड फाइनेंसिंग कैश इनफ्लो इफ द कंसर्न्ड एक्सपेंसेस आर फाइनेंसिंग एक्सपेंस फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट पेड। जैसे अभी आपने इंटरेस्ट अर्न का देखा, आपने इंटरेस्ट पेड किया, तो इंटरेस्ट जब आप पेड करते हैं तो वो क्या होता है, फाइनेंसिंग कैश है ना, फाइनेंसिंग कैश फ्लो होता है ना, फाइनेंसिंग कैश आउटफ्लो होता है ना। तो यहाँ जब आप TDS डिडक्ट कर रहे हैं मीन्स आपके लिए इनफ्लो हो गया, तो वो फाइनेंसिंग कैश इनफ्लो हुआ। फिर जब आप गवर्नमेंट को ये टैक्स जमा कराएंगे तो वो उस समय फिर से फाइनेंसिंग कैश आउटफ्लो आपका बन जाएगा, वो एक अलग बात है, लेकिन जब फिलहाल ये फाइनेंसिंग कैश इनफ्लो होगा। और ऑपरेटिंग अगर किसी एक्सपेंस के अगेंस्ट में आपने TDS काटा है तो वो ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो होगा, समझ रहे हैं ना दोस्तों, ये वाइटल पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं बार बार इस पर जोर देकर रिपीट कर करके बता रहा हूँ। नेक्स्ट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट आर एक्स्ट्रॉर्डनरी ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो फॉर ऑल एंटरप्राइज। ये तो कैश इनफ्लो है, ये तो आप जान ही रहे हैं, स्टॉक और प्रॉफिट ये दोनों ही आपकी नॉर्मल एक्टिविटी की पार्ट हैं, है ना, स्टॉक का ही तो सेल परचेज होता है, प्रॉफिट आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है तभी प्रॉफिट होता है ना नॉर्मली, तो ये ऑपरेटिंग होगा, तो मींस ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो तो है, लेकिन क्या ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है, नॉर्मली होता है नहीं, कभी कभी हो सकता है, तो इसलिए ये एक्स्ट्रॉर्डनरी कहा जाता है, ठीक है, सभी इंटरप्राइज के लिए। नेक्स्ट, इंश्योरेंस क्लेम्स रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर एक्स्ट्रॉर्डनरी, ये भी घटना ये इवेंट्स क्या है, एक्स्ट्रॉर्डनरी है तो एक्स्ट्रॉर्डनरी नाम तो जुड़ेगा ही, लेकिन ये फिक्स्ड एसेट्स के अगेंस्ट तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वेस्टिंग कैश इनफ्लो फॉर ऑल इंटरप्राइजेज। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी टर्म्स। नेक्स्ट, ES3 रिक्वायर्स सेपरेट डिस्क्लोजर फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैश फ्लोज क्लासिफाइंग देम एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी एज मे बी appropriate। अब दोस्तों बता रहे हैं रिपोर्टिंग कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैन बी रिपोर्टेड आइदर एज डायरेक्ट मेथड और एज इनडायरेक्ट मेथड, दो मेथड्स हैं। इनडायरेक्ट मेथड मीन्स डायरेक्ट मेथड में वी टेक द ग्रॉस रिसीव फ्रॉम सेल ट्रेड रिसीवेबल्स एंड अदर ऑपरेटिंग इनफ्लोज, उसमें से घटाएंगे
सब्सट्रैक्टेड बाई मीन्स घटाएंगे ग्रॉस पेमेंट ऑफ परचेजेज क्रेडिटर्स एंड अदर एक्सपेंसेज इग्नोरिंग ऑल नॉन कैश आइटम्स। आप जानते हैं सभी नॉन कैश आइटम्स आप इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे, जैसे डेप्रिसिएशन प्रोविजंस एटसेट्रा। अब इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। आप डायरेक्ट मेथड समझिए, इन इनडायरेक्ट मेथड वी स्टार्ट फ्रॉम द नेट प्रॉफिट और लॉस, जो भी नेट दे रखा है प्रॉफिट या लॉस, एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ एनी नॉन कैश आइटम्स इन्वेस्टिंग आइटम्स एंड फिनेंसिंग आइटम्स फ्रॉम सच प्रॉफिट फिगर, दैट इज ऑल सच एक्सपेंसेज लाइक डेप्रिसिएशन प्रोविजंस इंटरेस्ट पेड लॉस और सेल ऑफ एसेट्स एक्सेट्रा आर एडेड एंड इंटरेस्ट रिसीव एक्सेट्रा आर डिडक्टेड। एडजस्टमेंट फॉर चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल आइटम्स आर ऑल्सो मेड इग्नोरिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट टू रीच टू द फिगर ऑफ नेट कैश फ्लोज। तो दोस्तों आपने यहां तक समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इज प्रीफर ओवर इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हमेशा ज्यादा यूज किया जाता है ओवर इनडायरेक्ट मेथड। क्यों? डायरेक्ट मेथड को अच्छा माना जाता है इन कंपैरिजन टू इनडायरेक्ट मेथड। क्यों? बिकॉज डायरेक्ट मेथड गिव अस द क्लियर पिक्चर ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज विच हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग द फ्यूचर कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। डायरेक्ट मेथड आपको डायरेक्ट दिखाता है इतना परचेज हुआ, इतना सेल हुआ, जो कैश में हुआ इतना कैश सेल हुआ, इतना कैश परचेज हुआ, इतना कैश आउटफ्लो हुआ परचेज का, क्रेडिटर को पेमेंट गया, अदर एक्सपेंस कैश में इतना हुआ। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है, एडजस्टमेंट होती है, वहाँ क्लियरली नहीं दिखता है ना हेड वाइज कितना गया, तो वो कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड, डायरेक्ट मेथड क्लियर है कैश में ये पेमेंट हुई। अब आपको एक एग्जांपल दे रहा है, बेलो इज द फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप यहां से शुरू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, है ना? क्या मैं सही बोल रहा हूं? जी हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूं, आप यहां से शुरू करते हैं। अभी तक जो पढ़ा वो पढ़ते ही नहीं, वो जानते ही नहीं। इसमें आपकी गलती भी नहीं है, क्योंकि आपके टीचर्स आपके ट्रेनर्स आपको बताते ही नहीं है ना। यही डिफरेंस होता है एक प्रोफेशनल एज पर स्टैंडर्ड कैश फ्लो बनाने में एंड एक वैसे ही हाँ बना देते हैं इसमें। चलिए हम लोग एज पर स्टैंडर्ड एज ए प्रोफेशनल कैश फ्लो स्टेटमेंट ड्रॉ करेंगे। आइए देखिए, डायरेक्ट मेथड कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड, जो भी कंपनी का नाम है, जो भी एंटरप्राइज का नाम है, फॉर द ईयर एंडेड। दोस्तों प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में भी ईयर एंडेड वर्ड होगा, लेकिन बैलेंस शीट में एज ऑन वर्ड होता है, ये ध्यान रखेंगे। मार्च 31st जो भी ईयर है 2000 ... है ना, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट बताया था। आइए देखते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स मींस डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज, है ना, या फिर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेस पेमेंट ऑफ कैश परचेजेज, पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स, पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, एग्जांपल पावर रेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेमेंट फॉर वेजेज एंड सैलरीज,
पेमेंट फॉर इनकम टैक्स। आप जानते हैं इनकम टैक्स, नॉर्मली इनकम टैक्स कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि इनकम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है तो उन पर टैक्स भी तो ऑपरेटिंग होगा ना। अभी अपने पढ़ा था, आप यहाँ टोटल करते हैं, इन सब का सम करते हैं, यहाँ सम कर यहाँ लिखते हैं, फिर ये टोटल सम कर यहाँ लिखते हैं, फिर इन दोनों का सम कर यहाँ लिखते हैं। अब एडजस्टमेंट फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, कुछ लेस करने हैं, कुछ ऐड करने हैं, जो भी करने हैं यहाँ करते हैं, एज पर इनफ्लो एंड आउटफ्लो। उसके बाद नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको यहाँ शो होता है। समझ गए दोस्तों? नेक्स्ट, अब इसी का कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर डॉट 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 एंटरप्राइजेज फॉर द ईयर एंडेड March 31st 2000 डॉट डॉट डॉट। अब इनडायरेक्ट मेथड से आपको बता रहे हैं कैसे करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी बैलेंस आएगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा यहाँ आप दिखाएंगे। लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अपने अभी क्लोजिंग लिया, लेस कर देंगे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को, उसके बाद जो आ रहा है उसमें अब रिवर्सल ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जितने भी आपने एप्रोप्रिएशन किए हैं उनके जितने भी रिवर्सल इफेक्ट हैं वो एडजस्ट करेंगे। इसके बाद ऐड करेंगे, ऐड प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ये अब आपको दिखेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। समझिए दोस्तों, इसके बाद फिर रिवर्सल ऑफ इफेक्ट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। सबसे पहले आपने क्या डिटरमाइन करना था, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसके बाद अब रिवर्सल ऑफ इफेक्ट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, है ना। नॉन ऑपरेटिंग मीन्स इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, एंड नॉन कैश का तो हमें एडजस्टमेंट करना ही करना है। ये देखिए इफेक्ट ऑफ फॉर चेंज इन वर्किंग कैपिटल एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जनरली आप किनका करते हैं, स्टॉक ओपनिंग एंड क्लोजिंग याद आ रही है, ये एडजस्टमेंट होने के बाद आप यहां रखते हैं। इसके बाद पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स जो पे किया आपने इन कैश, लेस करते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स यहां करते हैं। उसके बाद आप पाते हैं, आप फाइंड कर पाते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो दोस्तों आपने अभी तक समझ लिया होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट मेथड से कैसे आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिटरमाइन करते हैं। मेन यही होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज नॉट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, नॉर्मल डेफिनेशन है। द इंटायर प्रोसीड्स ऑफ सच ट्रांजेक्शन शुड बी टेकन एज कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फंडामेंटल टेक्निक ऑफ कैश फ्लो प्रिपरेशन, अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ समरी ऑफ कैश रिसीट एंड पेमेंट। आप वेरी मच अवेयर हैं ऑफ एन एंटरप्राइज ड्यूरिंग एन
अकाउंटिंग पीरियड, आप ये भी जानते हैं कि ये एक अकाउंटिंग पीरियड का होता है। एनी अटेम्प्ट टू कंपाइल सच समरी फ्रॉम कैश बुक इज इम्प्रैक्टिकेबल ड्यू टू द लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन बहुत होते हैं, आप कैश बुक से ये कंपाइल कर पाना आपके लिए असंभव होता है। फॉर्चुनेटली इट इज पॉसिबल टू कंपाइल सच समरी बाय कंपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, है ना। लेकिन आप कंपेयर कर पाते हैं लास्ट एंड करेंट्स, लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इस वर्ष के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप डिफरेंस से ये पता लगा पाते हैं कि चल क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टिंग कैश फ्लोज ऑन नेट बेसिस, AS3 फॉरवर्ड्स, नेटिंग ऑफ रिसीट एंड पेमेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, दस कैश पेड ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स शुड नॉट बी सोन सोन नेट ऑफ कैश रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एंटरप्राइज पेज 50,000 इन एक्विजिशन ऑफ मशीनरी एंड रियलाइज 10,000 ऑन डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर, इट इज नॉट राइट टू से नॉट राइट टू शो नेट कैश फ्लोज ऑफ 40,000। द एक्सेप्शन टू दिस रूल आर स्टेटेड बिलो। आपको जनरली ऐसा राइट नहीं है कि आपने फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए 50,000 रुपये पे किए, लेकिन कुछ फिक्स्ड एसेट्स जो आपके ओल्ड थे उसे बेचे, आपको 10,000 रुपये मिले, तो आप नेट आउटफ्लो 40,000 का दिखाना ऐसा नहीं कर सकते। आपने दोनों दिखाने हैं, भले ही नेट इफेक्ट 40,000 का ही होगा, 40,000 का ही होगा, लेकिन आपने दिखाने दोनों हैं। आइए दोस्तों, कैश फ्लो फ्रॉम द फॉलोइंग ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी मे बी रिपोर्टेड ऑन नेट बेसिस। अब एक्सेप्शन बताया गया है कि नेट बेसिस पे आप किन कैश फ्लोज को दिखा सकते हो। कैश रिसीट एंड पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, एग्जाम्पल कैश रिसीव्ड एंड पेड बाय बैंक अगेंस्ट एक्सेप्टेंस एंड डी पेमेंट ऑफ डिमांड डिपॉजिट। सेकेंड, कैश रिसीट एंड पेमेंट फॉर आइटम्स इन विच द टर्नओवर इज क्विक, द अमाउंट्स आर लार्ज एंड द मैच्योरिटीज आर शॉर्ट, एग्जाम्पल परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बाय एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। आगे बढ़ते हैं। AS3 परमिट्स फाइनेंशियल एंटरप्राइज टू रिपोर्ट कैश फ्लो ऑन अ नेट बेसिस इन द फॉलोइंग 3 सर्कमस्टांसेस। ये फाइनेंशियल इंटरप्राइज के लिए स्पेसिफिक है। ये 3 कंडीशन है। पहला, कैश फ्लो ऑन एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट ऑफ FD फिक्स्ड डिपॉजिट विद अ फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट। हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि नेट इफेक्ट तो सेम ही आना है और सेम हेड से आना है, है ना। सेकंड, कैश फ्लो ऑन रिप्लेसमेंट एंड विड्रॉल डिपॉजिट, कैश फ्लो ऑन प्लेसमेंट एंड विड्रॉल डिपॉजिट फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज। एंड थर्ड, कैश फ्लो ऑन एडवांसेज लोन्स गिवन टू कस्टमर्स एंड रीपेमेंट रिसीव्ड देयरफ्रॉम। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स, कैश फ्लो फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड एंड पेड शुड ईच बी डिस्क्लोज सेपरेटली, बिल्कुल होना चाहिए। कैश फ्लो अरेजिंग फ्रॉम इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड इन द केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज शुड बी क्लासिफाइड एज कैश फ्लो अरेजिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन द केस ऑफ अदर एंटरप्राइज कैश फ्लो अरेजिंग फ्रॉम इंटरेस्ट पेड
should be classified as cash flows from financing activity, while interest and dividend received should be classified as cash flow from investing activity. Dividend paid should be classified as cash flows from financing activity. ये repeat कर रहे हैं, बातों को repeat कर रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. Next, cash, non-cash transactions. Non-cash transactions, investing and financing transactions that do not require the use of cash or cash equivalents. Take example, issue of bond share, issue of bonus share should be excluded from a cash flow statement. Such transactions should be disclosed elsewhere in the financial statement in a way that provide all the relevant information about these investing and financing activity. समझ रहे हैं, बोनस में कैश का कोई चक्कर नहीं होता, कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है. आगे बढ़ते हैं. बिजनेस परचेज, ये देखिए, बिजनेस परचेज द एग्रीगेट कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ सब्सिडियरीज और अदर बिजनेस यूनिट्स शुड बी प्रेजेंटेड सेपरेटली एंड क्लासिफाइड एज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ये तो आप जानते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही होगा, है ना, हमने डिटेल डिस्कशन किया था ऊपर अभी कुछ देर पहले, है ना. द एग्रीगेट कैश शोन फ्रॉम एग्रीगेट कैश फ्लो रेजिंग फ्रॉम एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ सब्सिडियरीज और अदर बिजनेस यूनिट शुड बी प्रेजेंटेड सेपरेटली. आपने सेपरेटली प्रेजेंट करनी है. द कैश फ्लो फ्रॉम डिस्पोजल एंड एक्विजिशन शुड नॉट बी नेटेड ऑफ. ये स्पेसिफिक है कि आपको नेट नहीं करना है, है ना, तभी तो पता लगेगा आपने कितने इन कैश एक्विजिशन में इन्वेस्ट किए और कितने इन कैश आपने डिस्पोजल किया, है ना, इन्वेस्टमेंट का टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. उन्हें तो पता लगना है ना, वही तो यूज करेंगे, इसीलिए तो आप बना रहे हैं. नेक्स्ट, एन एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज इन एग्रीगेट इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ एक्विजिशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सब्सिडियरीज और अदर बिजनेस यूनिट्स ड्यूरिंग द पीरियड ईच ऑफ द फॉलोइंग द टोटल परचेज और डिस्पोजल कंसिडरेशन एंड द पोर्शन ऑफ द परचेज और डिस्पोजल कंसिडरेशन डिस्चार्ज बाई मीन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. ट्रीटमेंट ऑफ करेंट असेट्स एंड करेंट लायबिलिटी टेकन ओवर ऑन बिजनेस परचेज. अब इनका क्या ट्रीटमेंट होगा, आइए देखते हैं. बिजनेस परचेज इज नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दस व्हाइल टेकिंग द डिफरेंसेज बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग करेंट असेट्स एंड लायबिलिटीज फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज द क्लोजिंग बैलेंस शुड बी रिड्यूस्ड बाई द वैल्यूज ऑफ करेंट असेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज टेकन ओवर. आपको सेपरेट करना पड़ेगा. दिस इंश्योर्स दैट डिफरेंसेज रिफ्लैक्ट द इंक्रीजेज डिक्रीजेज इन करेंट असेट्स एंड लायबिलिटीज ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ओनली. अब दोस्तों, ये एक्सचेंज डिफरेंस, एक्सचेंज गेन लॉस मीन्स फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, है ना, फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉसेज, इनके लिए यहाँ पे डिटेल पढ़ेंगे कि इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है. द फॉरेन करेंसी मॉनेटरी असेट्स, दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज पे एक सेपरेट स्टैंडर्ड्स, एक स्टैंडर्ड है AS 11, उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज
से रिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए कैसे अकाउंटिंग करेंगे, फॉरन एक्सचेंज का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उनके अकाउंटिंग आस्पेक्ट्स ए टू जेड AS11 में दे रखा है। मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप जरूर देखेंगे भविष्य में। फिलहाल हम यहाँ देखते हैं द फॉरेन करेंसी मॉनेटरी एसेट्स, एग्जांपल बैलेंस विद बैंक, डेटर्स एंड लायबिलिटीज, एग्जांपल क्रेडिटर्स, द इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय ट्रांसलेटिंग देम इनटू रिपोर्टिंग करेंसी बाय द रेट ऑफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन डेट। ऑन द बैलेंसी डेट दीज आर रीस्टेटेड यूजिंग द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। द डिफरेंस इन वैल्यू इज एक्सचेंज गेन और लॉस। द एक्सचेंज गेन एंड लॉसेज आर रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये आप नॉर्मली करते ही हैं। द एक्सचेंज गेन लॉस इन रेस्पेक्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन फॉरेन करेंसी, एग्जाम्पल बैलेंस इन फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रिंसिपल अफोरसेट एंड दीज बैलेंसेज आर रीस्टेटेड इन द बैलेंस शीट इन रिपोर्टिंग करेंसी एट रेट ऑफ एक्सचेंज ऑन बैलेंस डेट। द चेंज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट्स ड्यू टू एक्सचेंज गेन्स एंड लॉसेज आर हाउएवर नॉट कैश फ्लोज। दिस बीइंग सो द नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आर स्टेटेड एक्सक्लूसिवली ऑफ एक्सचेंज गेन्स एंड लॉसेज। द रिजल्टेंट डिफरेंस बिटवीन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर एज पर कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड द रिकॉग्नाइज्ड इन बैलेंस शीट इज रिकॉन्साइल्ड इन द नोट ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी नोट देते हैं ना एक्सप्लेनेशन के लिए, जी हाँ देते हैं, वहाँ आपने दिखाना है। अब डिस्क्लोजर पार्ट, AS3 में क्या डिस्क्लोजर आप देते हैं। AS3 रिक्वायर्स एन इंटरप्राइज टू डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंसेज हेल्ड बाय इट बट नॉट अवेलेबल फॉर इट यूज टुगेदर विद अ commentary by management. This may happen, for example, in case of bank balances held in other countries subject to such exchange control or other regulations that the fund is particularly of no use. AS3 encourages disclosure of additional information relevant for understanding the financial position and liquidity of the enterprise together with the commentary by management. Such information may include the amount of undrawn borrowing facility that may be available for future operating activity and to settle capital commitments, indicating any restrictions on the use of these facilities and the aggregate amount of cash flows required for maintaining operating capacity, example purchase of machinery to replace the old, separately from cash flow that represent increase in operating capacity, example additional machinery purchase to increase production. तो दोस्तों आपने देख लिया डिस्क्लोजर क्या है, इस पर मैं और भी डिटेल आपको बताऊंगा कि डिटेल क्या होता है। एक बार आप अभी तक
काफ़ी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपने देख लिया, सारी बातें आप समझ गए। अब आप इलस्ट्रेशन पे आते हैं, है ना। जैसा कि यहाँ भी एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, सबसे पहला तो क्लासिफिकेशन का, आप क्लासिफिकेशन कैसे करोगे, है ना। कुछ प्रैक्टिस करते हैं, आप टेस्ट करो अपने आप को कि आपको आता है नहीं आता, है ना। चलिए यहाँ से ही आप देखते हैं, मैच कराएंगे हम बाद में। तीन एक्टिविटी में आपने ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एंड कैश इक्विवेलेंस, है ना। परचेज ऑफ मशीनरी, इन्वेस्टिंग प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, फाइनेंसिंग, कैश सेल्स, ऑपरेटिंग प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आपको रिसीव हो रहा है ऑपरेटिंग नहीं, इन्वेस्टिंग नहीं, फाइनेंसिंग नहीं, ये प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये आपने ये बोरोइंग किया है, मींस आपने लोन लिया है, तो ये कहा जाएगा फाइनेंसिंग। प्रोसीड्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, ऑपरेटिंग कैश रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स कहा जाएगा ऑपरेटिंग। ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड ऑपरेटिंग, क्योंकि उसी से रिलेटेड है ना। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फाइनेंसिंग, कैश परचेज, ऑपरेटिंग प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टिंग। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फाइनेंसिंग, कैश परचेज, ऑपरेटिंग प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग। परचेज ऑफ गुडविल, क्या ये ऑपरेटिंग पार्ट बनता है, नहीं, ये इन्वेस्टिंग। कैश पेड टू सप्लायर्स, ऑपरेटिंग। इंटरिम डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर्स, फाइनेंसिंग। वेजेज एंड सैलरी, ऑपरेटिंग प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स, इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, क्लियरली है इन्वेस्टिंग। अदर इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आपने इंटरेस्ट पे किया, क्यों, लॉन्ग टर्म बोरो किया था, क्या हुआ, फाइनेंसिंग। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पेड, ऑपरेटिंग। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पेड, ऑपरेटिंग। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग। रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस पेड, ऑपरेटिंग। इनकम टैक्स पेड, ऑपरेटिंग। डिविडेंड पेड ऑन प्रिफरेंस शेयर, फाइनेंसिंग। अंडरराइटिंग कमीशन पेड, अंडरराइटिंग कमीशन, फाइनेंसिंग, क्योंकि अंडरराइटिंग फाइनेंस रिलेट करता है ना। शेयर या डिबेंचर इशू करते समय आप जो कमीशन देते हैं अंडरराइटर को, वो अंडरराइटिंग कमीशन। फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। रेंट पेड, ऑपरेटिंग। ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश इक्विवेलेंट, कैश क्रेडिट, कैश इक्विवेलेंट। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, सपोज मान लेते हैं 3 महीने से कम का है, बाकी कंडीशन फुलफिल हो रही है, कैश इक्विवेलेंट। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मान लेते हैं सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है, इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स रिसीव्ड, ये क्या ऑपरेटिंग है, बिल्कुल, क्योंकि आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, ऑपरेटिंग है तो रिफंड भी तो ऑपरेटिंग होगा ना, है ना। अब आप चाहें आंसर
यहाँ से मैच करा सकते हैं। अगर दोस्तों मैंने बैंक ओडी कैश सीसी एंड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन्हें ये मानकर कैश इक्विवेलेंट में लिया कि ये आपके कैश में इजीली हो जाएंगे, अदरवाइज ये आप कहाँ लेकर जाएंगे बताएं। एग्जांपल यहाँ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, अब यहाँ क्लियर नहीं है ना, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट आपने लिया या आपने दिया है ना। अगर आपने लिया तो ये फिनांसिंग, लेकिन आपने दिया तो ये इन्वेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ये कैश इक्विवेलेंट में भी तो जा सकता है ना, कैश क्रेडिट, ये क्या होता है, ये लोन होता है ना। अगर आपने लिया तो ये फिनांसिंग है ना, बैंक ओडी ये भी लोन होता है, आपने लिया तो फिनांसिंग। लेकिन अगर इनका बैलेंस जनरली होता नहीं है पॉजिटिव, अगर हो गया तो आपके कैश इक्विवेलेंट सीसी का भी सेम, लेकिन होता नहीं जनरली, बैंक ओडी मीन्स आपका बैंक बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन टू, एक्स लिमिटेड परचेज्ड डिबेंचर्स ऑफ 10 lakhs ऑफ वाई लिमिटेड विच आर रिडीमेबल विद इन 3 months, हाउ विल यू शो दिस आइटम एज पर S3 व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017। आपने एक्स लिमिटेड ने परचेज किया डिबेंचर्स, मीन्स ये इन्वेस्ट किया वाई में, जब एक्स का आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप दिखाएंगे, इन्वेस्टिंग आउटफ्लोज। जब आप वाई लिमिटेड का कैश फ्लो बना रहे हो तो आप इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे, फाइनेंसिंग कैश इनफ्लोज है ना। इसी तरह से और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, आप चाहें तो टेस्ट दे दें, इनका सॉल्यूशन साथ में आपको दे रखा है इलस्ट्रेशन का, आप स्क्रीनशॉट लेते चले या फिर आप चाहें तो वीडियो रिवाइंड कर भी आप देख सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट आपको कैश फ्लो कैसे बनाते हैं, जो कि आप वेरी मच अवेयर हैं कैसे बनाते हैं, फिर भी मैं आपको एक दिखाना चाहूँगा। अभी आप देखिए, ये है एग्जांपल 4, इनमें आपको बता रहे हैं कैश फ्लो बनाने हैं। आप देख रहे हैं कैश फ्लोज, ओपनिंग कैश है ना, बैंक में ये है कैश इन हैंड, ये है यहाँ पेमेंट फॉर अकाउंट पेबल्स, सैलरी एंड वेजेज, ये डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है। आप अपने समझ गए, डायरेक्ट मेथड में आपने पूरी डिटेल कैश की दी होती है, कैश कहाँ से आया कहाँ गया है ना। अगर प्रॉफिट लॉस से शुरू हो, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दे रखे हैं और ये डिटेल ना हो तो आप समझ जाते हैं कि हमें इनडायरेक्ट मेथड से बनाने हैं है ना, इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो ड्रॉ करने हैं। अभी आप और भी देख गए हैं, आपने और भी एग्जांपल्स देख रहे हैं, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। आइए सॉल्यूशन देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहां से है ना। अब आप सॉल्यूशन पर डायरेक्ट आइए, देखिए
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, दिस कैश पेड आउटफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेड पेबल्स, दिस कैश पेड टू एम्प्लॉइज सैलरी वेजेज, दिस कैश अदर कैश पेमेंट ओवरहेड्स, दिस नेट कैश सॉरी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, इनका नेट कर लिया। अब इनकम टैक्स पेड ये करने के बाद, इनकम टैक्स लेस करने के बाद नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनका क्या मतलब हुआ कि नेट कैश आपने जनरेट किया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इस अकाउंटिंग पीरियड में, है ना। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब आप फाइंड आउट कर लेते हैं उसके बाद आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ड्रॉ करते हैं। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लेस प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इनकमिंग इनफ्लो एट, जब इन सब का नेट कर देंगे आप तो नेट कैश, यहाँ नेट आउटफ्लो हो गया, आउटफ्लो ज़्यादा हो गया, जब हम नेटिंग किए तो आउटफ्लो है, तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, यहीं अगर इनफ्लो ज़्यादा होता तो आप यहाँ लिखते नेट कैश जनरेटेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सेम यहाँ नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, अगर आउटफ्लो ज़्यादा होता तो आप यहाँ लिखते नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना। इतना करने के बाद अब आप आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी, आइए देखते हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल इनफ्लो है, बैंक लोन रीपेड आउटफ्लो लेस, डिबेंचर रिडीम्ड आउटफ्लो लेस, डिविडेंड पेड आउटफ्लो लेस, नेट, अब जब आप नेट करते हैं अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब जनरेट हुआ, सॉरी ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये यहाँ गलत लिख दिया, है ना। यहाँ पे लिखना था नेट कैश जनरेटेड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये इनफ्लो ज़्यादा है, यूज्ड तब होता जब ये नेगेटिव होता, है ना, कोई नहीं ये प्रिंटिंग मिस्टेक। नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जब आप इन तीनों एक्टिविटीज के समेशन को इन तीनों फिगर का नेट करेंगे, ये दोनों एंड थर्ड वन ये, तो आप देखेंगे कि यहाँ नेगेटिव आ रहा है, मीन्स आउटफ्लो ज़्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ आप लिखेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। यही अगर पॉजिटिव फिगर होता तो आप लिखते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आप इसमें ऐड करेंगे, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर आपको फाइंड आउट हो जाएगा, एंड सेम आपको मैच करेगा आपके कैश अकाउंट से जो आपके बुक्स में शो कर रहा होगा, तो आप समझते हैं कि मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट सही प्रिपेयर हुआ, आपने जो ड्रॉ किया वो सही किया, अदरवाइज कुछ मिस्टेक है। तो ये था एग्जांपल डायरेक्ट मेथड, है ना। अब कुछ एग्जांपल्स इनडायरेक्ट मेथड का देखते हैं।
आप ये देख रहे हैं एग्जाम्पल, आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर ये स्पेसिफिक बता रहे हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, है ना, ये सॉल्यूशन है एग्जाम्पल्स का। आप देख लेंगे सभी वही बातें हैं जो हमने अभी थ्योरेटिकली देखा है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम रिसीव्ड, रिसीव्ड मीन्स इनफ्लो ऐड हो जाएगी, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो इसे सेपरेटली आप डिस्क्लोज करेंगे। कहाँ? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, लिखने के बाद आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का अलग से सेपरेट हेडिंग देकर आप ये ट्रीटमेंट दिखाते हैं, है ना। अब इसके लिए आपने देखा, अब ये चैप्टर यहाँ क्लोज होता है। नेक्स्ट एस, यहाँ एस 10 दिख रहा है, जिसके लिए अलग से सेपरेट में वीडियो बनाऊंगा। अब ये तो रहा आपका एजुकेशनल पार्ट, है ना, डिटेल डिस्कशन कि कैसे बनते हैं, क्या होते हैं। आइए आपको एक इलस्ट्रेशन में इनडायरेक्ट मेथड का कोशिश करता हूँ दिखाने की, अगर इसमें दिखा रखा हो। ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी इन्होंने बनाया है। यहाँ देखिए, आपको कैश समरी ऑफ कैश अकाउंट्स दे रखे होंगे, आपने बोला जाएगा कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करो। ये देखिए डायरेक्ट मेथड से इन्होंने बनाया, आप एग्जांपल देख सकते हैं, वीडियो रिवाइंड कर या स्क्रीनशॉट लेकर आप देखते रहें, है। मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा, दिखाऊंगा इनडायरेक्ट मेथड का। ये देखिए, ये दोस्तों ये एग्जांपल है इनडायरेक्ट मेथड का, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, देखते रहें, ये अच्छा एग्जांपल है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ये क्वेश्चन हुआ, ये देखिए यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, प्रिपेयर आपको कहा जा रहा है, आपको टास्क दिया जा रहा है, प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 इन अकॉर्डेंस विथ AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, है ना। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। ये इनडायरेक्ट मेथड है दोस्तों, यहाँ इनडायरेक्ट नहीं लिखा है, आप समझ जाओ इनडायरेक्ट, कैसे आप पकड़ पाते हैं, ये इनडायरेक्ट है। जब वो नेट प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से शुरू होता है, मीन्स नेट प्रॉफिट और लॉस से शुरू हो, तो आप समझ जाते हैं कि ये इनडायरेक्ट मेथड से प्रिपेयर करना है। अभी देखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, आपको सबसे पहले तो यही निकालना होता है, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी आपको निकालने होते हैं, अगर हो तो। इस क्वेश्चन में नहीं है, इस इलस्ट्रेशन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे उनकी एडजस्टमेंट नहीं है, है ना, आपने ऐड कर दिया। अब एडजस्टमेंट फॉर डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स नेट, ये कर सकते हैं, अमोर्टाइजेशन ऑफ कैपिटल ग्रांट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, है ना। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, आपको यहाँ दिख गया, इन सब का एडजस्टमेंट करने के बाद, उसके बाद आप चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस करते हैं, वो फिगर यहाँ एडजस्ट करते हैं, उसके बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस या कैश यूज्ड, ये भी हो सकता है कैश यूज्ड इन ऑपरेशंस,
उसके बाद आप इनकम टैक्स पेड, इनका एडजस्टमेंट करते हैं तो आप फाइंड आउट कर पाते हैं नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर ये पॉजिटिव फिगर होता तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेम अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब पॉजिटिव फिगर होंगे। इनफ्लो है ना, कैश इनफ्लो, परचेज आउटफ्लो हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर आउटफ्लो हो जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन WIP, ये आउटफ्लो हो जाएगा। नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये जब आप सारे एडजस्टमेंट करेंगे तो इनका टोटल जब करेंगे तो आप देखेंगे अगर ये नेगेटिव फिगर है मीन्स आपका आउटफ्लो ज़्यादा हो गया, मीन्स नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये करने के बाद आप कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी डिटरमाइन करते हैं। प्रोसीड फ्रॉम कॉल सिनेरियो, मीन्स इनकमिंग आपका इनफ्लो है ऐड होगा। रिसीट फॉर ग्रांट, रिसीट ऑफ ग्रांट फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट इनफ्लो है, प्रोसीड हो रहा है इनफ्लो, प्रोसीड हो रहा है इनफ्लो, पेड हो रहा है आउटफ्लो, डिविडेंड पेड आउटफ्लो। और दोस्तों आप जानते हैं कि इससे रिलेटेड जितने खर्चे होंगे डिविडेंड से, जैसे टैक्स, वो भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। आप इनका समेशन करते हैं तो आप पाते हैं जब ये इनफ्लो है मींस नेट कैश जनरेटेड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये यहाँ लिखना भूल गए प्रिंटिंग मिस्टेक। इसके बाद नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कुछ ये एडजस्टमेंट करते हैं आप कैसे, आप देखें यहाँ आपके पॉजिटिव फिगर हैं। इसका क्या मतलब, ये इनफ्लो हो रहा है आपका, है ना। यहाँ आप देखें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है ना, कैश आपने यहाँ यूज किया, यहाँ जनरेट हुआ। इसी तरह से आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी कैश यूज हुआ है ना, ये यूज हुआ। तो इन तीनों का एडजस्टमेंट आप करते हैं। ये कॉलम आप यहाँ नहीं पढ़ाए ना, सेकंड कॉलम अगर रखते हैं तो आप इन तीनों का सम करते हैं तो आप पाते हैं कि ये फिगर आपका पॉजिटिव आता है। इसका मतलब नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग दिस अकाउंटिंग पीरियड इतने अमाउंट का हुआ। अब आप इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करेंगे, आप पाएंगे कि आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ डिटरमाइन हो जाएगा, और जो कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा और यहाँ का ये बैलेंस दोनों मैच्ड होगा। अगर ये मैच्ड नहीं हुआ, इसका मतलब आपने जो ये ड्रॉ किया कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक रह गई इनपुट में या प्रोसेसिंग में, है ना। चलिए आपने इनडायरेक्ट का भी एक एग्जांपल देख लिया, मैं आपको इलस्ट्रेशन का दिखाते जा रहा हूँ। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते रहें या वीडियो रिवाइंड कर कर के देखें। आपने और भी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके दिमाग में और फिट होता जाएगा। ये रहा एग्जांपल 5, इसमें इनका सॉल्यूशन है। ये भी इन्होंने इनडायरेक्ट मेथड से बनाया है, है? यहाँ आप देख रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, है ना। यहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की भी बातें हो रही है। ये जितने अप्रोप्रिएशन थे अप्रोप्रिएशन किया,
इनका एडजस्टमेंट किया इन्होंने, है ना, प्रॉफिट आफ्टर एक्सप्रोप्रिएशन। उसके बाद ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद नॉन कैश डेप्रिसिएशन एंड नॉन ऑपरेटिंग, ये नॉन ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, ये फिनेंसिंग है, नॉन ऑपरेटिंग है, इनका एडजस्टमेंट करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ टैक्स का एडजस्टमेंट करने के बाद इन्हें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश जनरेट का फिगर फाइंड आउट हो गया। फिर इन्होंने इन्वेस्टिंग का प्रिपेयर किया, यस, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसके बाद इन्होंने नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर डिटरमाइन कर लिया, ओपनिंग ऐड किया, क्लोजिंग डिटरमाइन हो गया। इसी तरह से इनमें कुछ वर्किंग नोट तैयार करने पड़े, आप देख रहे हैं। तो सिर्फ एडजस्टमेंट बढ़ती रहती हैं जो आप देखते रहेंगे, आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया बस वही दिमाग में रखना है, इसी कॉन्सेप्ट पे सारे डिटर्मिनेशन एंड कैश फ्लो बनाने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी और एग्जैक्टली आप इसी तरह से ही बनाएंगे। बाकी आपने कुछ अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की कॉम्प्लिकेशन भी आएंगी, है ना, जैसे जितने आप नोट्स देख रहे हैं वो कैश फ्लो बनाने की समस्या नहीं है, वो आपके अदर कॉन्सेप्ट चेक किया जा रहा है कि वो अदर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है या नहीं, है ना, कुछ मिसिंग फिगर्स एट्सेट्रा की भी बातें होंगी। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं नेट बेसिस पे कैसे रिपोर्टिंग करेंगे कैश फ्लो के, है ना, जैसा हमने वहाँ पढ़ा सेम टू सेम। तो ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एस है दोस्तों, एस फोर कंटिजेंसी है इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंसिंग डेट, इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप देखेंगे बहुत मज़ा आएगा इसे पढ़ने में भी, और काफ़ी चीज़ें आपको नई चीज़ें पता लगेंगी और डिफरेंस पता लगेगा कि आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा, सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा, आपकी दुनिया बदल जाएगी, सोचने की दुनिया, कि आप बैलेंस शीट या फिर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में क्या सोच रखते थे और एक्चुअल में वो है क्या, है ना, आप कैसे बनाते थे, कैसे प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करते थे, एक्चुअली में कैसा होना चाहिए और एक्चुअली में होता भी इसी तरह है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्चुअली में फॉलो करते हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, इसी से ही क्रेडिबिलिटी इनकी बढ़ती भी है, साख, गुडविल, है ना। आइए आपको डिस्क्लोजर पॉइंट फिर से बेयर टेक्स्ट में दिखाते हैं। बेयर टेक्स्ट इस तरह से लिखा हुआ है, आप चाहे स्क्रीनशॉट लेते चलें। स्क्रीनशॉट आप लेते चलें, अगर चाहें तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं।
आपने बातें सेम टू सेम है बेयर टेक्स्ट में, ऑलमोस्ट इतना आपके लिए सफिशियंट है एकेडमिक एज वेल एज प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, मीन्स प्रैक्टिकली आप कैसे मार्केट में बैलेंस शीट बनती हैं उसका आप एनालिसिस कैसे करने में आपको मदद मिल सकती है, या फिर आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट जब आप प्रिपेयर या प्रेजेंट करते हैं उसमें आपको मदद मिल सकती है। जितना मैंने आपको बताया वो सफिशियंट है आपके लिए, है ना। यहाँ देखिए कंपोनेंट कैश इक्विवेलेंस अदर डिस्क्लोजर्स, अब आ गए डिस्क्लोजर्स पार्ट पे। यहाँ देखिए इन्होंने एक एग्जाम्पल दिखा रखा है आपको, ये डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड दोनों से ही कैसे बनते हैं। अभी देखिए नोट्स टू कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे आप प्रिपेयर करते हैं, कैसे देते हैं, अभी देखिए कैसे दिया जाता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंसिस्ट ऑफ कैश ऑन हैंड एंड बैलेंस विद बैंक्स एंड इन्वेस्टमेंट इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूडेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्राइज द फॉलोइंग बैलेंस शीट अमाउंट्स। आप इस तरह से प्रेजेंट करते हैं नोट्स टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर करते समय नोट्स देते हैं, इसी तरह बैलेंस शीट प्रिपेयर करते समय भी नोट्स देते हैं, इसी तरह आप कैश फ्लो स्टेटमेंट के समय इस तरह से नोट्स देंगे जो स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है ना। अब यहाँ बता रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड से आप ऐसे करेंगे, डायरेक्ट मेथड से इस तरह करेंगे, है ना, ईच एंड एवरी टॉपिक्स। अभी देखिए इलस्ट्रेशन हर टॉपिक पे इलस्ट्रेशन इन्होंने दे रखा है, तो आपने देखा कि किस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली प्रिपेयर किया जाता है एंड करेक्टली करेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट आप कैसे प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करते हैं। अभी आपके डिस्क्लोजर पार्ट दिखाता हूँ। कंपोनेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एन एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज द कंपोनेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड शुड प्रेजेंट अ रिकंसिलेशन ऑफ अमाउंट इन इट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट विद द इक्विवेलेंट अमाउंट रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था डिस्कस किया था इस तरह से नोट्स दिए जाते हैं, ये उनकी बात कर। इन व्यू ऑफ द वैरायटी ऑफ कैश मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज एंड एंटरप्राइज डिस्क्लोजर द पॉलिसी विच इज अडॉप्टेड इन डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, है ना। और अदर डिस्क्लोजर पे आते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से एन एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज टुगेदर विद कमेंट्री बाय मैनेजमेंट द अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंसेज हेल्ड बाय एंटरप्राइज दैट आर नॉट अवेलेबल फॉर यूज बाय इट। अगर कुछ बातें हैं तो मैनेजमेंट को बोर्ड रिपोर्ट में भी क्लियर करनी पड़ती हैं, और यहाँ भी आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के नोट्स में आपने बतानी है, डिस्क्लोज करनी है। दीज आर वेरियस सर्कमस्टांसेस इन विच कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस हेल्ड बाय एंटरप्राइज एंड नॉट अवेलेबल फॉर यूज। एग्जाम्पल इंक्लूड्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस हेल्ड बाय ब्रांच ऑफ द एंटरप्राइज दैट ऑपरेट्स इन कंट्री वेयर एक्सचेंज कंट्रोल और अदर लीगल रिस्ट्रिक्शन अप्लाई एज अ रिजल्ट ऑफ विच द बैलेंसेज
आर नॉट अवेलेबल फॉर यूज बाय द एंटरप्राइज। ये एक एग्जांपल हुआ कि आपके ब्रांच में कुछ कैश रखे हुए हैं ह्यूज अमाउंट में, लेकिन आप उसे यूज नहीं कर सकते हैं, कुछ लीगल बाउंडेशन है ना, उसके लिए आपको नोट्स देने पड़ेंगे, आपको नोट्स देने पड़ेंगे। इसी तरह नेक्स्ट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मे बी रिलीवेंट टू यूजर्स इन अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल पोजिशन एंड लिक्विडिटी ऑफ इंटरप्राइज। डिस्क्लोजर ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन टूगेदर विद अ कॉम्प्लीमेंट्री बाई मैनेजमेंट इट इनकरेजेज एंड मे इंक्लूड द अमाउंट ऑफ अनड्रॉन बोरिंग फैसिलिटीज दैट मे बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड टू सेटल कैपिटल कमिटमेंट्स इंडिकेटिंग एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ दीज फैसिलिटीज एंड द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कैश फ्लो दैट रिप्रेजेंट इंक्रीज इन ऑपरेटिंग कैपेसिटी सेपरेटली फ्रॉम दोज कैश फ्लो दैट आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ऑपरेटिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट, द सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ कैश फ्लो दैट रिप्रेजेंट इंक्रीज इन ऑपरेटिंग कैपेसिटी एंड कैश फ्लो दैट आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ऑपरेटिंग कैपेसिटी इज यूजफुल इन एनेबलिंग द यूजर टू डिटरमाइन वेदर द एंटरप्राइज इज इन्वेस्टिंग एडिक्वेटली इन द मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेटिंग कैपेसिटी। एन एंटरप्राइज दैट डज नॉट इन्वेस्ट एडिक्वेटली इन मेंटेनेंस ऑफ इज ऑपरेटिंग कैपेसिटी मे बी प्रेजुडिस फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द सेक ऑफ करेंट लिक्विडिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स। तो ये सब कुछ एडिशनल बातें आपने डिस्क्लोज करनी है नोट्स में। और आते हैं आपके क्वेश्चन आयर पे, है ना, कि ऑडिट करते समय इन्वेस्टिगेशन के समय आपने बहुत ध्यान काम आनी है। पहला पॉइंट इन्होंने देखा, प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, वेदर द कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्क्लोजेज द कैश फ्लो ड्यूरिंग द पीरियड क्लासिफाइड बाय ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन अ मैनर विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू द बिजनेस ऑफ द एंटरप्राइज फॉर ईच पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड। यस, नो, नॉट अप्लीकेबल। यस मीन्स ओके, नो मीन्स रॉन्ग, नॉट अप्लीकेबल मीन्स वेरी वेरी रॉन्ग, क्योंकि आपने कुछ पता ही नहीं है, है ना। अब इसी तरह ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पे द रिपोर्टिंग ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हैज बीन मेड बाय इंटरप्राइज अंडर डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, आपने कौन सा मेथड अप्लाई किया वो बताओ आप। इफ रिपोर्टेड अंडर डायरेक्ट मेथड, वेदर मेजर क्लास ऑफ ग्रॉस कैश रिसीट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर डिस्क्लोज सेपरेटली। यस और नो। यस मीन्स गुड, नो मीन्स नॉट मोर गुड, है ना। इसी तरह से इफ रिपोर्टेड अंडर इनडायरेक्ट मेथड, वेदर नेट प्रॉफिट और लॉस आर इज एडजस्टेड फॉर द इफेक्ट ऑफ, कुछ एडजस्टमेंट करनी थी ना बिफोर लेके आना था, नॉन कैश का, नॉन कैश का एडजस्टमेंट करना था, डेफरल्स एक्रूअल्स, याद आ रही है, क्विक रेफरेंस में हमने पढ़ा था आइटम्स ऑफ अदर देन ऑपरेटिंग मीन्स एसोसिएटेड विद इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसी तरह से वेदर द नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्रेजेंटेड बाय शोइंग द ऑपरेटिंग रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग नॉन कैश आइटम डिस्क्लोज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। इसी तरह से आगे अलग अलग तरह के क्वेश्चन आए इसी से रिलेटेड होंगे। जैसे यहाँ देखिए, रिपोर्टिंग कैश फ्लो ऑन अ नेट बेसिस, किस किस में आपने नेट बेसिस किया, वेदर द कैश रिसीट एंड पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर व्हेन द कैश फ्लो रिफ्लेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ कस्टमर रेदर देन दोज द इंटरप्राइज इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज आर रिपोर्टेड ऑन द नेट बेसिस, ऑन द नेट बेसिस, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, किस में आपने क्या किया वो डिस्क्लोज करो और आप वहाँ
मैच करो कि कौन सा नेट करना सही था, किसका नेट करना सही नहीं था। आपने पढ़ा था ना किसका नेट करना सही है किसका नहीं करना, तो यहाँ चेक कर पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे, है ना। तो आपने ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म करने में, ऑडिट ओपिनियन देने में, ऑडिट रिपोर्ट ड्राफ्ट करने में काफी मदद मिलेगी। ट्रू एंड फेयर व्यू याद आ रही है? बिल्कुल याद आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते रहें या वीडियो रिवाइंड कर देखते रहें, मैं टाइम कम होने के कारण वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं कम कर रहा हूँ, फटाफट बढ़ा रहा हूँ, आप देख लेंगे बात उतनी है, है ना। वेयर कैश फ्लो अरेजिंग फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी ऑफ अ बैलेंस ऑफ अ फाइनेंशियल इंटरप्राइज, याद आ रही है? फाइनेंशियल इंटरप्राइज, नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइज आर रिपोर्टेड ऑन नेट बेसिस। एक फाइनेंशियल इंटरप्राइज कौन कौन से ट्रांजेक्शन को नेट बेसिस पे दिखा सकती है, किसको नहीं, है ना। फॉरेन करेंसी याद आ रही है? फॉरेन एक्सचेंज, उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन देखने हैं। जैसे एक देखते हैं यहाँ क्या है, वेदर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट ऑन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हेल्ड इन फॉरेन करेंसी इज रिपोर्टेड एज अ सेपरेट पार्ट ऑफ रिकंसिलेशन, दिखाना है क्या आपने दिखाया? ऑफ द चेंजेज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द पीरियड That is reconciliation of cash and cash equivalent at the beginning and at the end of the year. क्या आपने दिखाया? Yes means good, no means bad, not applicable means very very bad. आप समझ रहे हैं? इस तरह से आपने और भी सारी दिखानी है कि वो foreign currency, operating, investing, financing सबसे related हो सकते हैं। एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम के बारे में बात कर रहे हैं, वेदर द कैश फ्लो एसोसिएटेड विद एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम हैव बीन एप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड एज अराइजिंग फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स तीनों एक्टिविटी में हो सकती हैं, आपने एप्रोप्रिएटली क्लासिफाई किया, वहाँ पे एडजस्टमेंट किया। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, फिनेंसिंग एंड नॉन फिनेंसिंग दोनों में अलग हो सकते हैं, आपने देखा था, है ना। अगर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पे कर रहे हो उस केस में क्या होगा, वो सब बातें। टैक्सेज आप जानते हैं, इनकम टैक्स ऑलवेज ऑपरेटिंग, अदर टैक्स देखना पड़ेगा किससे रिलेटेड है ना, फाइनेंस से फाइनेंस, इन्वेस्ट से इन्वेस्टिंग से इन्वेस्टिंग, हेजिंग, दोस्तों हेजिंग जानते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को उसका रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज में जो फ्लक्चुएशन होता है उनके रिस्क को एलिमिनेट करने या कम करने के लिए हेजिंग किया जाता है ना। इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आगे। यहाँ देखते हैं, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज अकाउंटेड फॉर एज हेज ऑन अ आइडेंटिफाइबल पोजिशन, वेदर द कैश फ्लो ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर क्लासिफाइड इन द सेम मैनर एज द कैश फ्लो ऑफ द पोजिशन बीइंग हेज्ड। आप समझ रहे हैं, आदमी का बच्चा आदमी, शेर का बच्चा शेर, बकरी का बच्चा बकरी, है ना। मीन्स जो इन्वेस्टिंग है उसका हेजिंग इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग का ऑपरेटिंग, ये उसी की बात कर रहे हैं। एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ सब्सिडियरीज एंड अदर बिजनेस पे काफ़ी डिटेल मैंने बात किया था, सेम उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आते हैं नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स, उससे रिलेटेड है, वे हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट, वेदर इन्वेस्टिंग ट्रांजेक्शन दैट डू नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या ऐसा हुआ नहीं हुआ आप बताओ। हैव बीन डिस्क्लोज्ड एल्सवेयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ वे दैट प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट कीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हाँ या ना। आप ये सारे क्वेश्चन आर पूछते हो, लगाते हो, कंपोनेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अभी आपने देखा उसकी कैसे ओपनिंग क्लोजिंग, है ना, याद आ रही है, एंड डिस्क्लोजिंग, है ना, वेदर द इंटरप्राइज हैज डिस्क्लोज्ड एंड कंपोनेंट ऑफ द कैश इक्विवेलेंट्स नोट्स में, याद आ रही है। अदर डिस्क्लोजर्स अभी मैंने आपको डिटेल पढ़ाया था,
है ना, आप देखते चले। और कुछ डिस्क्लोजर्स ऐसे हैं जो मैंडेटरी नहीं हैं लेकिन देखो मैंडेटरी है, अपन करनी चाहिए, जैसे वेदर एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट मे रिलेवेंट टू यूजर्स इन अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल पोजीशंस एंड लिक्विडिटी ऑफ एन एंटरप्राइज हैज बीन डिस्क्लोज्ड। जनरली आपने हाँ ही करनी है और ये भी एक तरह से मैंडेटरी ही है, मैंडेटरी बाय लॉ नहीं है लेकिन रिकमेंडेटरी होने के कारण ये प्रैक्टिस में है, करना ही होता है ना। जैसे एग्जाम्पल कह रहा हूँ, अमाउंट अनड्रॉन बोरिंग फैसिलिटी दैट मे बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड टू सेटल कैपिटल कमिटमेंट इंडिकेटिंग एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ कीज फैसिलिटी, है ना। आपको लोन सैंक्शन हो गया, आपने उसे डिसबर्स नहीं करवाया, इसका मतलब क्या है, आपके पास कैश अवेलेबल हो सकता है इजीली फ्यूचर में, अभी है नहीं लेकिन हो सकता है। ये इनकी बातें कर, ये एग्जम्पशन रिलैक्सेशन याद आ रही है, किस पे अप्लाई होगा, नहीं होगा, लेवल टू लेवल थ्री पे नहीं होगा, तीन कंपनीज, तीन टाइप की कंपनीज, स्मॉल ओपीसी एंड डोरमेंट, वहाँ अप्लाई नहीं होगा, इनकी बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट एयरपोर्ट कंटिजेंसी इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस डेट, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत मज़ा आएगा इसमें, इस चैप्टर में, इस AS4 में आप वो वीडियो ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको AS3 का A to Z ईच एंड एवरी थिंग आपको मालूम हो गया, आपने पूरा प्रोसेस देख लिया, पूरे स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगे, क्या बनेगा, नहीं बनेगा, इनकी क्या एप्लीकेशन होती है, यूजर्स के लिए क्यों बेनिफिशियल है, यूजर्स इनका यूज कैसे करेंगे, इस चीज़ का भी आपको आइडिया लग गया होगा, और कैसे बनाने हैं वो भी। मैंने प्रैक्टिस कम करवाया है क्योंकि टाइम की कमी है, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा चला जाएगा, अगर आप लोग क्वेरी करोगे तो मैं इस पर एग्जाम्पल्स के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, कॉन्सेप्ट तो आपको यही ही रहेंगे, उसके लिए इसके एग्जाम्पल्स में मैं सारे एग्जाम्पल्स कंपाइल कर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए, कम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सेट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये आपका तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा आप लाइक करें, शेयर करें, अगर कोई क्वेरी है, सजेशन है, आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई दूंगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।